हेलो चेक 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 हेलो जी हाय हेलो 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 ओके ओके ओकेट व्हाट्स गोइंग ऑन लवलीस्ट माइ लवियस्ट आउट देयर वेलकम टू पढ़ले टेंथज सुपर डुपर एनर्जी के साथ में मैं अगर बस आई होप कि मैं लाइव वरना मेरे कचरे हो जाएंगे अगर मैं बिना लाइव हुए इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा हूँ तो ओके okay, चलो हेलो हाय

भूकंप भी आ मतलब भूकंप आ जाए तो चले आना बट अदरवाइज मत जाना ठीक है तो पूरी एनर्जी के साथ में प्रणव के स्टाइल में बिल्कुल ऐसे नास्ते गाते हंसते खेलते हम पूरा सीरीज कंप्लीट करने वाले हैं। और चेहरे पे स्माइल के साथ में क्योंकि बिल्कुल भी मैं तो नहीं डराना कि मैं साइंस का तुम्हें का, सोशल साइंस का पेपर है ठीक है बहुत मेहनत करनी है वो मेहनत मेहनत नहीं करनी आराम से चिल करेंगे जिंदगी के अंदर ठीक है चलो पहले तो मुझे बताओ मैं सही तरीके से लाइव दिख रहा हूँ दिख रहा हूँ और अगर मैं लाइव हूं तो इसी बात पे हम एक बार इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल देते हैं कि वी आर लाइव नाउ ठीक है चलो पहले तो बताओ भाई हाल चल क्या चल रहा है पहले तो हम थोड़ा मूड बना लेते हैं ठीक है मूड बनाना बहुत जरूरी है ओके <laughs> okay. चलो जी हाँ जी लाइव है लाइव 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 है 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 भाई है, बिल्कुल है, है. तुम लोगों को अगर बीच में वो लोअर थर्ड दिख रहा ना इंस्टाग्राम वाला तो ये मत समझना कि लाइव नहीं है ठीक है लाइव ही है हमने थोड़ी ज्यादा हाई टेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है चलो ये हो गई हमारी स्टोरी रिकॉर्ड और ये हमने डाल दिया है कि लाइव नाउ ठीक है चलो जी और बताओ क्या चल रहा है भाई जिंदगी के अंदर मैं चैट पढ़ रहा हूं तुम्हारी आ, सर नाम ले लो मेरा हाय हेलो आ, यथार्थ क्या हाल है भाई आ, साइंस का पेपर थोड़ा खराब गया कोई बात नहीं यार ये सब तो चलता रहता है जिंदगी के अंदर इतनी काहे चिंता कर रहे हो ठीक है अभी बस तुम लोगों की जिम्मेदारी इतनी सी है कि अगर तुम लोग इस लाइव सेशन के अंदर आए हो और तुमने अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो अभी शेयर कर दो क्योंकि हमें ऐसे ढेर सारे बच्चे साथ में देख रहे हैं मतलब चार हजार दिख रहे हैं मुझे पांच छह सात आठ दस पंद्रह बीस पचास साठ सौ करोड़ इतने मतलब जितने भी लोग हो पाए उतने सारे एक साथ लाइव देखने है। और पूरी एनर्जी के साथ मैं तुम्हें बहुत बहुत अच्छे तरीके से मतलब मुझे हूं है मेरे अंदर बच्चा जाग गया है मतलब अच्छा वाला बच्चा और और जो भी डबल माइंडेड डबल डबल मीनिंग वाली बातें होती हैं वो होती रहेंगी ठीक है हम करते रहेंगे वॉच नाउ ठीक है ये डाल दिया हमने तुम्हारे आंखों के सामने स्टोरी डाल दी है और एट द रेट खुद को भी टैग कर लेता हूं और ये चली गई है स्टोरी लाइव ठीक है ये देखो भाई लाइव हो गई है स्टोरी नाउ लेट्स बिगिन पहले तो भाई थोड़ी काम की बात कर लेते हैं ठीक है तुम लोग आए हो इतनी उम्मीदें लेके तो ऐसे नहीं करेंगे हम थोड़ी थोड़ी मस्ती करेंगे थोड़ी थोड़ी आ, यार एक तो ना मैं मैं फ्लो फ्लो में कुछ उल्टा सीधा ना बोल जाऊं बस क्योंकि मैं देखो दोस्तों की तरह ट्रीट करता हूं तो मैं पर क्या है कि थोड़ी सी एक लिमिट होती है ना तो वो लिमिट मुझे रिस्पेक्ट करनी है आज हम करेंगे भैया पूरा का पूरा सिविक्स इसके अंदर हम क्या करने करना मैं पूरी तुमको थ्योरी बता दूंगा कि भैया अगर तुमने कुछ नहीं भी पढ़ा है तो भी तुम्हारे काम का है क्योंकि तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा और तुमने अगर सब कुछ पढ़ रखा तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छे इसी तरह तेज तेज बोल के बताऊंगा ताकि क्योंकि लाइफ को तुम टू में चला नहीं सकते और मैं स्लो स्पीड में तो काम करता नहीं हूं मुझे चाहिए भाई आग मुझे चाहिए मस्ती और मुझे चाहिए फुल एनर्जी तो हम ऐसे नाश्ते गाते हुए करेंगे साथ में थ्योरी चलते चलते जो स्लाइड्स होंगी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा रिच स्लाइड मतलब वो पूरी बनी तो उन में कहां -कहां से बनेगा कि भैया बन बन तो वो में तुमको बताता चलूंगा देखो अब स्टार्ट करते कुछ दुख दर्द में बांट लेता हूं मैं बहुत ज्यादा कूद कूद के ही पढ़ाता हूं बट अभी मेरे पैर जो है मेरा साथ नहीं दे रहे हैं क्योंकि कल परसों मेरे ट्रेनर ने मुझे लेग डे करवा दिया और उसने तो बोला था कि सर मत करो इतना मत करो इतना पर मैं अपना साइड में आता है ठीक है और अपन तो ऐसी लड़के तो अपने को तो लगता है कि भैया अपने को तो करना है और 30 किलो 50 किलो पे करेंगे करें? तो तो जो कर कर मतलब चल भी ऐसे रहा हूं ऐसे जैसे किसी ने मेरी टांगे तोड़ दी है ठीक है खैर एनी तरीके से हम बातचीत करते करते चलेंगे बिल्कुल तुम्हें बीच में ऐसा कहीं फ्लो नहीं आएगा कि भैया हम पढ़ाई कर रहे बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे मेरी बात सुनोर हम पढ़ाई नहीं कर रहे हम मस्ती कर रहे हैं हम बातचीत कर रहे हैं हम तो दोस्त हैं मेरी जान हम तो हम तो प्यार मोहब्बत बांट रहे हैं बस तुम्हें चैट सेक्शन में प्यार मोहब्बत मत बांटना ठीक है चलो क्योंकि मॉडरेटर्स बिठा रखे हमने है ना हम कोई इसको डेटिंग ऐप तो है नहीं है ना पढ़ले ऐप जो है पढ़ने के लिए बनी हुई है ऐसा तो है नहीं कि पढ़ ले मतलब रिश्ता बना ले तो हमने कोई डेटिंग ऐप तो खोल के रखी नहीं है जो तुम आ जाओ अपनी डेटिंग चालू कर दो वो चीज नहीं करना बाकी जो भी मस्ती मजाक करना वो कर देना ठीक है चलो

तो ये चीजें होने वाली है और और क्या क्या करने वाले हम देखो अब टारगेट हमारा ये है कि मैं कुछ कुछ चैप्टर तो में करवा दूंगा थीके? मतलब ये 15 भी में होता जाएगा और इसके साथ पूरा लेंगे कल हम इसी टाइम पे तीन बजे मिलेंगे ज्योग्राफी के मैराथन के अंदर उसमें मुझे और लोग चाहिए ठीक है के मैराथन के अंदर और लोग चाहिए क्योंकि उसके अंदर भी सेम चीज होने वाली है कल क्या कह रहे हैं तुम्हारे भाई ये भी वॉइस नोट भेज रहे हैं अब

हमको किसी भी और चीज पे हाई नहीं होना है हमको सिर्फ एनर्जी पे हाई हाई होना है। तो सब आ आ सबका चैट में आ जाए हाँ एनर्जी और एक बार खुद से बोलो कि अपनी एनर्जी हाई भले तुम्हें सोना आ रहा नींद आ आरोप कोई भी आ रहा कोई फर्क नहीं पड़ता हम पूरी ताकत के साथ में पूरे हस्ती मजाक के साथ में करेंगे ठीक है थोड़ी सी अपन वार्म अप कर लेते हैं ठीक है चलो जी आ गया चैट के अंदर हाई एनर्जी पूरी ताकत के साथ में लेट्स बिगिन चलो अच्छा अब हम क्या करेंगे हम कुछ ऐसा करेंगे कि सबसे पहले हमारे जो चैप्टर लेंगे जैसे पावर शेयरिंग हो गया ठीक है ये तो सिंपल सा चैप्टर है फेडरलिज्म सिंपल सा चैप्टर है कुछ भी नहीं है इसके अंदर दोनों चैप्टर है ठीक है फिर अच्छा एक जो चैप्टर है जेंडर रिलीजन एंड कास्ट वाला वो थोड़ा सा मजेदार लगेगा तुमको आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी चैप्टर बीच में कौन सा चैप्टर मिस कर रहा हूं यार मैं बीच में कौन सा चैप्टर मिस कर रहा हूं मैं पॉलिटिकल पार्टीज

चलो और तीसरा है हमारा टेलीग्राम चैनल अब देखो टेलीग्राम इन दोनों में मेरा थोड़ा सा फायदा है ठीक है फॉलोअर अच्छे दिखते हैं तो शो ऑफ करने मजा आता है पर टेलीग्राम में मेरा कोई फायदा नहीं है टेलीग्राम में बस तुम्हारा फायदा है क्योंकि भाई तुम्हारी कम्युनिटी है तो हम चाहते हैं कि एक लाख सब्सक्राइबर्स हम टेलीग्राम के ऊपर जल्दी हिट कर ले और इसका फायदा यह है कि टेलीग्राम के ऊपर तुमको ये जो सारी स्लाइड्स बना लो सारी की सारी स्लाइड्स मिल जाएंगी और साथ में मैं हर चैप्टर के

पावर शेयरिंग चैप्टर का नाम नाम से क्या समझ आ रहा है पावर शेयरिंग मतलब कि भाई पावर जो हम शेयर कर रहे हैं ये जो ताकत है हम शेयर कर रहे हैं अभी जिम वाली ताकत की तो बात कर नहीं रहे हम किसकी बात कर रहे हैं सिविक्स पढ़ रहे हैं सिविक्स के अंदर क्या पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल पॉलिटिकल साइंस साइंस का मतलब क्या है कि हम पॉलिटिकल पावर की बात कर रहे हैं है ना हम बोलते हैं ना कि अरे चाचा विधायक है हमारे तो क्या सारी पावर चाचा के पास में नहीं हम बोलते ना कि अरे मेरा ताऊ पुलिस में है तो क्या सारी पावर उस ताऊ के पास में नहीं हम बोलते ना कि मेरे काका तो कलेक्टर तो क्या सारी पावर कलेक्टर के पास में नहीं तो पावर है किसके पास में पावर जो है वो शेयर्ड है सबके पास में है कुछ तेरे पास में कुछ उसके पास में है ना मतलब मान लो कि एक एक दरवाजा है एक बहुत बड़ी अलमारी अलमारी जिसके अंदर सारी पार भरी हुई है तो तो उस 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 को खोलने के लिए जो चाबियां लगेंगी तो कुछ चाबी कलेक्टर के पास होगी कुछ चाबी सांसद के पास होगी कुछ चाबी एमएलए के पास होगी कुछ चाबी इसके पास होगी कुछ चाबी उसके पास होगी तो सबके पास पावर शेयर है तो कोई अकेला बंदा खड़े होकर नहीं बोल सकता कि मैं सबसे ज्यादा पावरफुल इनफैक्ट हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है ठीक है वैसे बहुत पावरफुल है पर समझ रहा ना, क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ठीक है चलो फील आ रही है फील आ रही है अच्छा देखो बाकी किसी और मैराथन और इस मैराथन में डिफरेंस ये है कि इस मैराथन को हम रो रखते हैं ठीक है तो ये वैसे थोड़ा बढ़ा लेता हूं पहले मुझे गर्मी लगने गई लग है ठीक है तो पार शेयरिंग में हम ये समझना ले, है लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम देखो सबसे पहली बात है कि हम पावर शेयरिंग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले पहले तुमको बता कोई दिक्कत नहीं है पावर शेयरिंग इस चैप्टर के अंदर हम बस दो फालतू की कहानी सुनने वाले वो फालतू के ऐसा बोलते हैं ना कि देखो बेटा गट्टू गट्टू शुरू से पढ़ रहा था तो देखो अब उसके नंबर आ गए अच्छे और एक कहानी हम बिट्टू की बताते कि बिट्टू ने देखो कुछ नहीं पढ़ा लास्ट लास्ट में टेंशन हुआ फिर उसके नंबर नहीं आए तो हम दो कहानी बताते जिसमें एक अच्छा बच्चा होता है एक गंदा बच्चा होता है तो इस कहानी के अंदर भी एक अच्छा बच्चा और एक गंदा बच्चा है जो अच्छा बच्चा है वो है बेल्जियम जो गंदा बच्चा है वो श्रीलंका चलो फिर से मेरे साथ बोलो जो अच्छा बच्चा है वो कौन है वो है बेल्जियम और जो गंदा बच्चा है वो कौन है श्रीलंका तो दो बच्चों

एग्जीक्यूटिव जुडिशरी लेजिस्लेचर मतलब लॉ एल लॉ बनाने वाला एग्जीक्यूटिव मतलब एग्जीक्यूट करने वाला और जुडिशरी मतलब हमारे कोर्ट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है ना तो ये भाई साहब लॉज बनाएंगे जैसे कि पार्लियामेंट में बैठ के जिन लोगों ने लॉज बना दिए तो वो क्या हो गए लेजिस्लेचर अब हमारे मान लो हमारे यहां पे जो जितने भी हो बैठे हुए हो रहे है ना अब देखो भाई हेलमेट का लॉ मान लो कि हेलमेट का एक लॉ बन गया अब क्या पार्लियामेंट के अंदर मान लो बैठ के प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया कि हेलमेट पहनना कंपलसरी है तो क्या प्रधानमंत्री जी खुद आएंगे हमारे चौराहे पे देखने के लिए कौन हेलमेट पहन है वो नहीं आएंगे क्या हमारे शहर के आईपीएस आएंगे खुद नहीं वो भी नहीं आएंगे वो क्या करेंगे वो ड्यूटीज को एलोकेट कर देंगे कुछ ट्रैफिक पुलिस के बीच में तो वो जो ट्रैफिक पुलिस वहां पर होगी वो देख रही होगी है ना तो लॉ कहां से आया है ऊपर से आया है. पर बटते, 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 बटते कैसे आगे तक पहुंच गया यही होती शेयरिंग ठीक है पार चलो अब पहली कहानी सुनते केस ऑफ बेल्जियम दो कहानियां सुनेंगे बेल्जियम की श्रीलंका की अब बेल्जियम और श्रीलंका दो बहुत ही खूबसूरत कंट्रीज है बेल्जियम और श्रीलंका दोनों के अंदर आई एक आपदा अब उस आपदा को बेल्जियम ने एक अलग तरीके से लड़ा और श्रीलंका ने एक अलग तरीके से लड़ा बेल्जियम ने सोचा कि भाई मैं तो सबको साथ लेके चलूंगा सबका

ज्ञान की बातें लिख देनी है ठीक है ये सारी बकवास को चेप देनी है बकवास में कुछ नहीं यूरोप कंट्री करोड़ पॉपुलेशन है और उनके बॉर्डर रहा है वो अब हुआ क्या यहां पर हम देखते हैं एथनिक कंपोजिशन एथनिक कंपोजिशन मतलब तो वहां पर लोग किस टाइप -किस करते हैं देखो पूरे पूरे सिविक्स की जो है इसके अंदर तुम ये देखोगे कि मैं अलग अलग रिलीजन की बात करूंगा कास्ट की बात करूंगा ये लोग मेजोरिटी माइनॉरिटी बस इसी के ऊपर बना हुआ है पूरा सिविक्स ठीक है चलो अब यहां पर क्या हुआ कि 59% लोग यहाँ के डच हैं और 40% परसेंट फ्रेंच है देखो डिवीजन किसी भी तरह कैसे हो सकता है या तो आपका रिलीजन अलग हो या भाषा अलग बोलते हो तो यहां पर क्या रहा था कि 59 परसेंट लोग जो है वो डच स्पीकिंग है और 40 परसेंट है फ्रेंच स्पीकिंग अब जो लोग है तुम देखोगे कि पूरा यह तुम्हारा बेल्जियम है अब बेल्जियम का जो पूरा येलो वाला पोर्शन है ये वाला ये पूरा फ्लेमिश रीजन मतलब यहाँ पर सारे डच भरे पड़े हैं और यहाँ पर सारे ये जो पूरा वेलोनिया रीजन है लाल वाला मतलब वेलोनिया यहाँ पर सारे फ्रेंच भरे पड़े हैं ठीक है तो ये अलग ये अलग पर ये है है कि कंट्री अब तुम खुद सोचो कि भैया इतने लोग इतने लोग तो कुछ ना कुछ तो मसाला होगा बीच में तो वो मसाला हुआ

बीच में एक जो सिटी है ये क्या है ब्रुसेल्स ब्रुसेल्स क्या जगह भैया ब्रुसेल्स है यहां का कैपिटल। जैसे मान लो इंडिया के अंदर मान लो कि किसी ए रिलीजन की एक मेजोरिटी है और बी रिलीजन की माइनॉरिटी है है ना? यहां पर तुम देखो डरिटी में है, फ्रेंच माइनॉरिटी में पर दिल्ली जो इंडिया का कैपिटल है मान लो उस कैपिटल के अंदर बी मेजोरिटी में है और ए माइनॉरिटी में है है ना मतलब उल्टा हो गया वहां पर तो सेम चीज यहां पर भी हुई कि जो कैपिटल है वहां पर 80% परसेंट फ्रेंच है मतलब जो पूरी कंट्री में माइनॉरिटी में है वो इस कैपिटल सिटी में मेजोरिटी में और ये 20% परसेंट डच जो है ये माइनॉरिटी में है जो पूरी कंट्री में मेजोरिटी में है तो यहां पर उल्टा पुलटा हो गया गेम ठीक है अब तुम देखो कितनी सारी दिक्कतें आ गए, है ना एक तो पहले कंट्री छोटी सी कंट्री करोड़ पॉपुलेशन से, तो से जहां पर सब कुछ हो रहा है, उस में ये पूरा उल्टा है, है ना? तो कैपिटल में कुछ अलग ही सीन चल रहा है बाहर कंट्री में कुछ अलग ही सीन चल रहा है तो इस सीन को कैसे डील किया गया ठीक है क्या हुआ 1950 और 60 में थोड़ा टेंशन बढ़ने लगा और एक और चीज जो फ्रेंच थे वो भले ही माइनॉरिटी में थे ज्यादा रिच थे तुम ध्यान से सुनो कि जो फ्रेंच थे पूरी कंट्री में वो वो माइनॉरिटी में थे पर रिच थे है ना और ज्यादा तो पावरफुल है, है तो डच वालों की तो भाई सुलग गई कि पावरफुल हो कैसे और फ्रेंच वालों की फट गई कि भैया में है किसी दिन पावरफुल बना दिया अगर हमने इनको तो, ये तो हमको काट डालेंगे तो दोनों के बीच में टेंशन बढ़ गए ठीक है चलो अब यहां पर मैंने तुम्हारे क्लाइमेक्स छोड़ दिया देखा क्या हुआ होगा अब पहले श्रीलंका के के केस देख लेते श्रीलंका क्या है भाई तमिलनाडु तमिलनाडु के कोस्ट में है सदन में यहां पर पॉपुलेशन दो करोड़ है और यहां पर भी बहुत डाइवर्स है इसका थोड़ा डिविजन देख लेते हैं भैया यहां पर एथनिक क्या है सेवेंटी फोर अब परसेंटेज याद रखना ठीक है इंपॉर्टेंट क्या है तुम्हारे लिए परसेंटेज इंपॉर्टेंट है आ रही बात समझ में एक बार मैं चैट देख लू ब्राइटनेस अच्छा जी एक सेकेंड रुक जाओ ब्राइटनेस कम कर लेता हूं मैं थोड़ा काला दिखूंगा तो चलेगा ना वैसे मैं हम हाँ मुझे देख के क्या करोगे तुम एग्जाम टाइम में तो सब भूल ही जाते हैं कि प्रणय भैया कौन है क्या है सबको बस मेन पढ़ाई लिखाई से मतलब है और सही भी बात है ठीक है इसमें कोई ईगो हट करने वाली बात नहीं हो रही अब ठीक है अब बेटर लग रहा होगा शायद ठीक है चलो थोड़ा सा और मैं कलाकारी कर देता हूँ इसमें ताकि तुम्हें चीजें और अच्छे समझ में आ जाए ठीक है जी अब थोड़ा बेटर होगा है ना अब बेटर होगा ठीक चल। है चलो बहुत ही बढ़िया तो सेवेंटी फोर परसेंट एटीन परसेंट तमिल स्पीकर पर, अब इन एटीन परसेंट में से भी थर्टीन परसेंट जो है से और बाकी के इंडियन तमिल से, तो तुम सोचो कि कितनी सारी यहां पर वो हो रही है है ना तो ये एक तो लैंग्वेज के बेसिस पे ठीक है ये बात समझ आगे अब यहां पर क्या हुआ जो तमिल नेटिव्स है जो कंट्री मतलब यहीं पर रहे हुए उनको श्रीलंका तमिल बोलते हैं और बहुत सारे जो लोग हैं जो इंडियन तमिल्स हैं उनको अंग्रेजों के टाइम पे अंग्रेजों ने कुछ ना कुछ काम करने का श्रीलंका भेज दिया तो जो वहीं पे बस गए तो उनको हम इंडियन तमिल बोलते हैं तो और के बीच में बेसिक सा डिफरेंस ही होता है ठीक है इंडियन तमिल्स वही है जिनके फोर फादर जो है वो हमारे कॉलोनियल पीरियड मतलब अंग्रेजों के टाइम पे ये लोग वहां चले गए थे ठीक है अब श्रीलंकन तमिल जो है वो कहां पर है नॉर्थ और ईस्ट ऑफ द कंट्री है देखो ध्यान से श्रीलंकन तमिल जो है ये यहां पर है और यहां पर है बाकी पूरे रीजन में सिन्हाला स्पीकर है बीच में यहां पर कहीं इंडियन स्पीकर है और बाकी तुम्हारे पास में देखो पिंक पिंक पैचेस में ठीक है तो ये पूरा तुम्हारे पास में दे रखा है अब इस कॉम्पोजिशन तो इतना भाई ये तो बिल्कुल बैंगन का भरता बन गया अब करें क्या इसमें ठीक है तो रिलीजियस कंपोजिशन देख लो कि भाई ये जो लैंग्वेज स्पीक करने वाले लैंग्वेज वाले लोग हैं इनमें से क्या क्या रिलीजन है तो तुमको रिलीजियस मिल जाएगा पूरा कि सिन्हाला स्पीकिंग ठीक है फिर तमिल जो है

मेजोरिटेरियनिज्म मतलब ऐसी भावना कि हमारे देश में जो मेजोरिटी में है वही रूल करना चाहिए क्या इंडिया में मेजोरिटेरियनिज्म है नहीं इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है इंडिया में सारे रिलीजन बराबर है पर श्रीलंका के अंदर क्या भावना थी मेजोरिटेरियनिज्म की भैया जो मेजोरिटी में है वो राज करेगा बाकी सब जाओ पहाड़ में तो क्या हुआ अब सिन्हा जो थे वो मेजोरिटी में थे तो उनके दिमाग में तो ये था हमेशा कि भैया हम ही राज करेंगे ये कैसे कर लेंगे राज? राजवेंटी फोर परसेंट वाले राज नहीं करें अठारह परसेंट परसेंट के राज कर लेन की ठीक है तो ये ये यहां पर सीन चल रहा था अब 1948 में श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिले अब ये बात ध्यान रखना ठीक है ये चारों पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है अगर तुमसे इसके इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आता तो ये चारों पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है 1948 में इंडिपेंडेंस मिल गई अब इंडिपेंडेंस मिलने के बाद में जैसे इंडिया को मिली तो इंडिया ने धीरे धीरे खुद को संभाल लिया और कुछ कंट्री थी जो खुद को संभाल नहीं पाई ठीक है ये पता नहीं किसी उसमें रह गए तो ये खुद को कुछ खास तरीके से संभाल नहीं पाए ठीक है तो सेनाला जो थे वो वैसे डोमिनेट कर गए है ना और फिर सेनाला सुप्रीमेसी आ गई मतलब सेनाला जो थे वो मेजोरिटी था उन्होंने डोमिनेट कर लिया अब गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए मतलब अब देखो गवर्नमेंट ठीक है गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिया ने भाई सबसे पहले तो ये स्टेप लिया यह उनका तो दिमाग खराब हो गया कि भाई अब मेजोरिटी में आ गए तो तो पावरफुल हो गए है ना अब तुम सोचो कि भाई मैं सेवेंटी फोर परसेंट मैं सिन्हाला तो मैं तो पावर में हूं तो मेरी इच्छा जो मैं करूंगा बाकी सब जाए भाड़ में ठीक है तो बाकी सब जाए भाड़ में के चक्कर में क्या हुआ कि किस में इन्होंने घोषित कर दिया कि सिन्हाला इज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज तो बाकी लोगों को बुरा लग गया ठीक है और गवर्नमेंट जॉब यूनिवर्सिटी पोजिशन सिर्फ इनको मिली नई कॉन्स्टिट्यूशन आई जिन मतलब उसमें सिर्फ ये लिखा था कि भाई हमारा रिलीजन जो है वो प्रोटेक्ट होगा और फॉस्टर होगा बाकी कुछ नहीं होगा ठीक है चलो तो अब तमिल्स ने क्या किया तमिल्स ने भाई अलग अलग पार्टीज लॉन्च कर दी स्ट्रगल्स लॉन्च कर दी भाई तमिल्स को बुरा लग गया कि भाई हमारे मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारे रिलीजन काम है तुम्हारे रिलीजन बढ़े तो हमारी भी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करो हमें भी गवर्नमेंट जॉब में पोजिशन दो ठीक है तो तीन स्टेप जो इन्होंने ली इसी के अगेंस्ट में तमिल्स ने रिएक्शन दिया तो अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा कि व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ तो ये तीन जो इन्होंने स्टेप्स ली इसी के अगेंस्ट में लिया गया कि भाई इनको रीजनल ऑटोनॉमी चाहिए थी इक्वल ऑपॉर्चुनिटीज चाहिए थी ठीक है फिर 1980 तक इन्होंने अपनी अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने की मांग कर ली इन्होंने बोला कि भैया अगर तुमसे तो नहीं हो पा रहा है तो हमको अलग कर दो हम अलग रह लेंगे ठीक है तो हमारा एक अलग ही स्टेट बना के रख दो ठीक है है पर तमिल की डिमांड जो थे, वो तो हो ही नहीं सक्सेसफुल ना फिर उसके बाद में क्या हुआ कि एक सिविल वॉर हो गया जिसमें हजारों लोग मर गए ठीक है आगे बात समझ में क्या सीन हुआ क्या सीनारे हुआ सीन आ रही बात समझ में आ रही है सबको ये लिख दो ठीक है थोड़ा भाई समझ में आ रहा तो लिख दो बता दो क्या आ रहा है ठीक है चलो आ रहा है ना चलो जी बहुत ही बढ़िया

अब वो गलती बेल्जियम ने नहीं दोहराई बेल्जियम ने सोचा कि हम अलग तरीके से चलेंगे बेल्जियम ने सोचा कि हम जितने भी कल्चरल रीजनल डिफरेंस सबको साथ में लेकर चलेंगे तो बेल्जियम अच्छा बच्चा निकला ठीक है इन्होंने चार बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड भी किया इन्होंने बोला कि एक बार में अगर नहीं सुलझ रहा तो हम बार बार अमेंड करेंगे करेंगे पर ये कभी नहीं करेंगे कि कोई में तो उसको पावर दे दो सारी की सारी तो ये चीज उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से काम की ठीक है अब देखो बेल्जियम मॉडल के क्या क्या एलिमेंट्स थे ठीक है तो ये अगर तुमसे पूछा जाए तो पूरा आंसर तुम्हारे आंखों के सामने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबसे पहले फ्रेंच और डच जो है उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए गवर्नमेंट के अंदर ठीक है जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें इक्वल

प्यार हो जाता है ठीक है तो शादी कर लो तो वो मॉरल प्रैक्टिकलिटी नहीं है पर रीजन है ना ठीक है कि कि भाई अच्छा लगता है तो क्या है तो रीजन क्या पर इट इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी जहां पर डेमोक्रेसी है वहां पर पावर शेयरिंग होनी चाहिए और जहां पर पावर शेयरिंग है वहीं पर डेमोक्रेसी है बिना पावर शेयरिंग के डेमोक्रेसी एक्सिस्ट नहीं कर सकती तो ये दो रीजन है प्रोडेंशियल मॉरल देखो याद कर करो वाइस पॉलर शेर डिजायरेबल दो रीजन प्रोडेंशियल मॉरल प्रोडेशन मतलब जो प्रैक्टिकल रीजन है प्रैक्टिकल रीजन क्या है कि भाई लड़ाई झगड़ा कम होगा इससे और मॉरल रीजन क्या है कि भाई डेमोक्रेसी की तो स्पिरिट ये है डेमोक्रेसी की तो जान ये है ये तो दो जिसम एक जान है ठीक है चलो अब फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग देख लेते हैं ठीक है ये क्विकली देख लेते हैं क्योंकि इसके हमारा अगला चैप्टर चालू हो जाएगा फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग क्या क्या है देखो अलग अलग टाइप के पावर शेयरिंग के फॉर्म्स होते हैं एक होता है हॉरिजॉन्टल एक होता है वर्टिकल नाम से सुनो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पूछा जाए तो क्या बोलोगे भैया एक तो हो गया हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल मतलब कि तुम्हारी जो पावर है वो ऐसे शेयर्ड है है ना एक होता है वर्टिकल वर्टिकल मतलब हायर की वाला है ना जैसे कि ये बड़ा ये उससे छोटा ये सबसे छोटा तो ये वर्टिकल हो गया जैसे इंडिया के अंदर क्या होता है इंडिया के अंदर वर्टिकल और हॉर्जोंटल uh, दोनों है हॉर्जोंटल कौन सा हो गया तुम्हारा लेजिस्लेचर और जुडिशियरी क्या इन तीनों में ऐसा बोल सकता हूं मैं कि जुडिशियरी ज्यादा पावरफुल है एग्जीक्यूटिव ज्यादा पावरफुल है ज्यादा पावरफुल है नहीं ये तीनों इंडिपेंडेंट यूनिट्स है अपने अपने काम इसकी पावर शेयरिंग मतलब क्या है ना तो मैंने इसके पास इसकी कुछ पावर शेयर कर दी कि तू तेरे हिसाब से देख ले ये तू तेरे हिसाब से देख ले तू तेरे हिसाब से देख ले तो ये क्या हो गया हॉरिजॉन्टल मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं कि ये ऊपर है ये नीचे दूसरा होता है वर्टिकल जैसे कि इंडिया में क्या हो गया यूनियन स्टेट और लोकल है ना तो जैसे यूनियन गवर्नमेंट है

सेम पावर जो है वो मतलब चार फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग अगर तुमसे पूछा जाए ऑफ द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स

फिर एक हो गया अमंग पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स ठीक है तो पॉलिटिकल पार्टीज मतलब कि कुछ कुछ पावर जो है कुछ किसी 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 पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में ठीक है जैसे मान लो कि आ, या फिर प्रेशर ग्रुप जैसे मान लो कि बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट साथ में आए या बहुत सारे किसान साथ में उन्होंने बोला कि हम साथ में मिलकर किसान का ग्रुप बनाएंगे अब वो किसान के ग्रुप को कलेक्टिवली गवर्नमेंट ने कुछ पावर दे दी कि भैया तुम्हारा जो किसान का ग्रुप है वो तुमको तुम ये ये चीजें कर सकते हो अपने हिसाब से ठीक है अब एक इंडिविजुअल किसान भले ही नहीं कर सकता था पर, तो 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 पर समाप्त क्या हम सही लाइन पे है क्या हम लाइन पे है सही ठीक है चलो हमने कुल सोलह मिनट में कर लिया मतलब हम थोड़ा सा टाइम के ऊपर पहुंच गया पर फिर भी हमने कर लिया क्या हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है अरे नहीं है मेरा बर्थडे यार नहीं है जबरदस्ती बना रहे हो क्यों बूढ़ा कर रहे हो मुझे मेरा बर्थडे आता है चार मे को ध्यान से सुन लो चार मे ठीक है कब आता है मेरा बर्थडे ताकि तुमको याद रहे यार मतलब कम कम से तुम्हें थोड़ा ऐसा लगे तो सही कि प्रणय भैया का बर्थडे है ठीक है तो भाई अरे ये क्या कर दिया मैंने ठीक है लिख देता हूं चलो पहला चैप्टर पावर शेयरिंग दूसरा चैप्टर फेडरलिज्म तीसरा चैप्टर क्या था हमारा पोलिटिकल ना तीसरा कि चौथा है वो जो भी है चलो देख लेंगे हम फिर चौथा हो गया तुम्हारा जेंडर रिलीजन कास्ट फिर पांचवा हो गया आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी ठीक है तो ये हमने कर लिया है कंप्लीट बहुत ही बढ़िया यस पहला चैप्टर कर लिया अब थोड़ी और स्पीड से बढ़ेंगे आगे ठीक है मतलब क्योंकि हमारा आधा घंटा तो एक ही चैप्टर में होगा हमको सारे कंप्लीट करने तो दो घंटे में तो हमारे पास में किसी किसी चैप्टर को हमको पंद्रह पंद्रह बीस मिनट में ठीक है चलो हाँ मतलब ऐसा नहीं करूंगा कि आधा छोड़ दू सब कराऊंगा और जो बर्थडे बर्थडे कर रहे मेरा बर्थडे आता है ऑफ ठीक है तो इस दिन आ जाना केक लेके ठीक है और साथ में मैं अपनी यूपीआई आई भी दे दूंगा तो उसमें तुम सौ सौ रुपए डाल सकते हो ठीक है मतलब मेरे बर्थडे के लिए चंदा इकट्ठा कर सकते हैं तो मेरे बर्थडे में बढ़िया सा गिफ्ट खरीद लूंगा ठीक है तो सब लोगों को अपना अपना लिफाफा लेके आना है कोई भी बिना लिफाफा लिए मेरे बर्थडे पार्टी में नहीं आएगा ठीक है मतलब मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जैसे जब भी शादी होती है तो शादी में ऐसा होना चाहिए कि ना अलग अलग लाइन बन जानी चाहिए ठीक है जैसे कि ऐसा कुछ करना चाहिए ठीक है फल तो मस्ती में जाकर मतलब पहले आगे निकल जाता हूँ ना मैं

हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी काम करता हूं, हूं, और स्लाइड कर हूं. पढ़ लेना शादी भी करा दो मेरा तो इतना नहीं चलेगा ना ठीक है अभी अभी मैं मेरी, मैं कुछ चीजें मेरे हिसाब से देख लू माना कि तुम लोग मेरी फैमिली हो माना कि तुम लोग मेरे भाई लोग माना कि तुम लोग मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं खुद भी कुछ नहीं हूँ ठीक है चलो कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं फेडरलिज्म के साथ में चैप्टर का नाम फेडरलिज्म अब देखो नाम में बता देता हूं नाम में आधा चैप्टर यही समझा देता हूं ध्यान से सुन लेना अभी सुन लोगे तो चैप्टर यही खत्म हो जाएगा फेडरल फेडरल मतलब मोर देन वन ठीक है मोर देन वन अब देखो सिंपल सी बात है चैप्टर यहीं पर समझा देता हूं तुमको ठीक है एक ब्रीफ बता देता हूं फिर जो जो इंपॉर्टेंट चीज देखता है ये चलेगा है ना कोई भी चैप्टर स्टार्ट होने से पहले मैं तुमको पहले उसकी पूरी जिस्ट बता देता हूं पांच सात मिनट में कि जब तुम चैप्टर पढ़ रहे हो तो तुम्हें तो तो कुछ भी नया ना सुनाई दे अभी सब कुछ बता दूंगा तो जब चैप्टर पढ़ते जाओगे तब चीजें रिकॉल होती जाएंगी कह अरे हाँ यही तो बताया था प्रणा भाई कुछ नहीं है फेडरलिज्म मतलब कि भाई देखो कोई भी ऐसी कंट्री या कोई भी ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें एक से ज्यादा लेवल्स हो एक से ज्यादा लेवल्स का मतलब क्या हुआ जैसे मान लो कि इंडिया है तो इंडिया के अंदर यूनियन गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट है और लोकल गवर्नमेंट है अगर इंडिया के अंदर सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट होती और कोई स्टेट गवर्नमेंट कोई लोकल कुछ नहीं होता तो इंडिया को हम फेडरल फेडरल कंट्री नहीं बोलते। फेडरलिज्म मतलब ठीक है तो जहां पर एक से ज्यादा टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट है उसको हम फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं तो जो गवर्नमेंट जो कंट्री जहां पर ऐसा है कि भाई कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिर्फ एक ही एक ही है जो रूलिंग है जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं बहुत सारे अलग अलग टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट है तो इंडिया ऑब्वियसली बात है एक फेडरल गवर्नमेंट होगी पर चाइना की बात करूं तो चाइना नहीं है चाइना की यूनिटरी गवर्नमेंट है क्यों क्योंकि चाइना के अंदर एक ही पॉलिटिकल पार्टी है और वही लोगों को बेवकूफ बनाती रहती है है ना भाई बात है चाइना का माल है, तो चाइना का ऐसे ही होगा तो यूनिटरी गवर्नमेंट उसको बोलते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट गवर्मेंट अगर समझे तो फेडरल गवर्नमेंट वो वो होती है जहां पर एक ऑफ गवर्नमेंट होते हैं अब जैसे इंडिया के अंदर है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट तो सबके पास में अपने अपनी पावर है यही लास्ट के अंदर में देखा पावर शेयरिंग तो जहां पर भी पावर शेयरिंग होती है दो या दो से ज्यादा ग्रुप्स या फिर पॉलिटिकल पार्टीज या फिर टीयर्स या फिर लोग या फिर किसी भी चीज मतलब जहां पर भी पावर जो है वो दो या दो से ज्यादा

चलो ये रत्नी लिखा है कोई ठीक है तो चलो रत्नी मैंने लिख दिया नाम यहां पर ठीक है और मेरा पता मेरे साथ में क्या होता था मेरी क्लास की होता तो मेरा नाम लिखता था ऐसे ठीक है ऐसे लिखते थे उनको मैंने बता रखा था कि भैया आर तो कैपिटल चाहिए और कई बार सर्कल लगा के स्टार भी बना देते थे कि ये तो नलायक है बिल्कुल इसको तो भाग्य फेंक दो तो ऐसा करते थे इतने जालिम मॉनिटर्स हुआ करते थे मेरे क्लास के पर मैं उम्मीद करता हूं तुम्हारी क्लास के इतने जालिम नहीं होंगे खैर आगे बच्चे में तो चैप्टर ही खत्म होगा तुम्हारा ठीक है चलो आगे चलो भाई बढ़ाऊंगा चिंता मत करो पूरा चैप्टर पढ़ेंगे चलो जी फेडरलिज्म क्या है फेडरलिज्म के ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिसके अंदर पावर जो शेयर्ड है बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कंट्री अब वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स कुछ भी हो सकते अब जैसे इंडिया है तो इंडिया के अंदर भैया अब देखो कोई छोटी कंट्री है तो उसमें उसके पास में एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और उसमें कुछ और अलग स्टेट या फिर लोकल बॉडीज में पावर डिवाइड कर दी है ना तो वो भी फेडरल गवर्नमेंट है अब जैसे इंडिया इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है तो इंडिया के अंदर देखो बेसिकली फेडरलिज्म का बेसिक डेफिनेशन ये है कि पावर जो है एक सेंट्रल अथॉरिटी और दूसरे कॉन्स्टिट्यूनिट कॉन्स्टिट्यूनिट्स मतलब कि भाई अलग अलग छोटे छोटे यूनिट्स में पावर शेयर होनी चाहिए जो होता है फेडरलिज्म इससे ज्यादा हो तो भी फेडरल गवर्नमेंट है पर इससे कम नहीं होना चाहिए है ना मतलब मिनिमम यहाँ पर एक सेंट्रल और एक कॉन्स्टिट्यूट मतलब दो टीयर्स तो है मतलब दो लोगों के बीच में तो पावर शेयड है तो ये क्या हो गया हमारे पास में ये वो हो गई, फेडरल हो गई चलो. अब फेडरेशन में जनरली दो लेवल्स दोनों के पास क्लियर है चलो अब, की फीचर्स है के? अब ये ध्यान से सुनना क्वेश्चन बन सकता है, की बड़ा सिंपल सा है कि भाई सबसे बड़ा तो यह है कि टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए दो या दो से ज्यादा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होने चाहिए मिनिमम दो तो चाहिए एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट लेकर तुम चिल्ला के नहीं बोल सकते चलो मैं थोड़ा अगर तो मैं डार्क दिख रहा हूं तो प्लीज सॉरी मतलब सॉरी की तो कोई बात नहीं इसमें पर अगर तुमको मेरे मुंह पे लाइट थोड़ी कम दिख रही है तो मैंने लाइट इसलिए कम की क्योंकि कई सारे बच्चों को यहाँ पर स्लाइड्स क्लियरली नहीं दिख रही थी ठीक है चलो डिफरेंट इफ गर्मेंट गन सेम सिटीजन अच्छा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट तीनों से लेना, पहला पॉइंट क्लियर है दूसरे पॉइंट का मतलब क्या है कि भैया मैं मान लो कि अब मैं हूँ मध्यप्रदेश में लेट्स फॉर एक्पल मैं इंदौर में way, इंदौर से याद है कि मैं प्लान कर रहा हूं कि इंदौर के किसी स्कूल में आता हूं बढ़िया तरीके से सोल करना है मैं इंटरव्यू इंटरव्यू नहीं लूंगा बस ऐसे तुम लोगों से मिलना है मुझे बातचीत करनी है कि देखना भाई कैसा है और लोग एक्चुअली देखते कि नहीं देखते तो अच्छा लगे तो वो चीज में सोच रहा हूँ तो अगर तुम लोगों को कोई रिकमेंडेशन होता तो मुझे एक बार मेल कर देना ठीक है रेट पड़े डॉट इन पेयर इसका इसका मतलब मतलब क्या है? इसका मतलब है कि माल लो मैं मैं इंदौर इंदौर के अब इंदौर के अंदर। अंदर अब बैठा पहला तो मेरे जो जिस वार्ड, में रहा हूं, उस वार्ड का जो भी पार्षद होगा वो है, ना? फिर की जो है वो फिर मेरी स्टेट गवर्नमेंट भी कर रही है फिर मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर रही है, है ना? मतलब जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी मेरे ऊपर कंट्रोल कर रही है स्टेट गवर्नमेंट भी मेरे ऊपर कंट्रोल, कंट्रोल कर रही है मेरी सिटी की गवर्नमेंट भी मेरे ऊपर कंट्रोल कर रही तो मैं अकेला बैठा हूं पर मेरे ऊपर सेम सिटीजन के ऊपर अलग अलग लेवल्स ऑफ ज्यूरिडिक्शन आ रहा है, है ना तो ये हो गया डिफरेंट इफ गमेंट गवर्न सेम सिटीजन विद इन देयर जूरिस्डिक्शन ठीक है अब जैसे मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ हो गया है ना अब जैसे नोटबंदी है तो नोटबंदी इसका डिसीजन था पर नोटबंदी मैंने यहां पर बैठ के भी तो फॉलो किया है ना आ रही बात समझ में सिमिलरली लेट से हेलमेट पहनना तो हेलमेट पहनना मेरी स्टेट गवर्नमेंट का मान लो डिसीजन है तो मैंने अपने यहाँ पर बैठ के उसकी भी तो बात फॉलो की है है ना तो उन्होंने अपने अपने जूरिस्डिक्शन में अपने अपने हिसाब से मेरे ऊपर कुछ कुछ लॉज लगा दिया ठीक है तीसरा जूरिस्डिक्शन ऑफ जूरिस्डिक्शन ऑफ अरे क्या है जूरिस्डिक्शन Of tiers of is in the मतलब बता रखा है तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग थे वो बड़े समझदार थे उन्होंने उसी टाइम पर रखी थी कि सेंट्रल क्या क्या कर सकता है स्टेट क्या क्या कर सकता है लोकल क्या क्या कर सकता है ठीक है तो जो पावर सेंट्रल के हाथ में है उसमें स्टेट कुछ भी अपनी उंगली नहीं कर सकता लोकल कुछ भी उंगली नहीं कर सकता जो स्टेट के हाथ में उसमें कोई दूसरा उंगली नहीं कर सकता तो उन्होंने पहले बता रखा है कि भैया तुम अपने अपने हिसाब से देख लो ठीक है तो इस टाइप से उन्होंने कुछ रूल बना रखे पहले से ठीक है चलो वन लेवल कैन नॉट चेंज द फंडामेंटल प्रोविजन है ना मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई प्रोविजन अगर है

हम अपने स्टेट की गर्व को भरते नहीं है तो वो जो इनकम टैक्स हम स्टेट या जीएसटी भरते तो जीएसटी किसके पास जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को कितना पैसा देगी लोकल गवर्नमेंट के पास में कितना पैसा आएगा तो वो सारी चीजें भी स्पेसिफाई कर रखी है कोर्ट के पास में भाई पूरी पावर है अब मान लो कि इसके बीच में अगर कहीं भी लड़ाई होती है बीच में तो कोर्ट आके बीच में पार्ट ले सकता है ठीक है चलो ऑफ तो की फीचर्स आगे समय छह की फीचर्स है पहला तो फुद्दू है दूसरा कुछ नहीं है वही चीज है कि एक ही आदमी को बहुत सारे रूल कर रहे तीसरा ये सबका स्पेसिफाई कर रखा है चौथा ये स्पेसिफाई कर रखा है इसको कोई भी अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकता

ऑफ़ अमेरिका, है ना? मतलब कि भैया अमेरिका के जो स्टेट्स थे, थे उन्होंने तो मतलब होल्डिंग जैसे इंडिया के अंदर प्रदेश और गुजरात ये दोनों आपस में इतने पावरफुल नहीं कि अपने हिसाब से अपनी गवर्नमेंट चला पाए है ना ऐसा नहीं होता कि प्रदेश गुजरात राजस्थान कर्नाटक ये सब साथ में मिलकर और इंडिया बना नहीं इंडिया बना इसलिए बात समझ में ये कैसी बनी कंट्री कि भाई स्टेट्स साथ में आए तो कंट्री बन गई यहां पर क्या हुआ कि कंट्री बनी इसलिए स्टेट्स आए तो ये क्या हो गया होल्डिंग टूगेदर मतलब इंडिया जो है जो इंडिया एज अ होल है उसने पकड़ के रखा है सारे स्टेट्स को है ना मतलब राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश इन सबको होल्ड करके कर रखा तो ये क्या हो गया होल्डिंग टुगेदर यहां पर ये स्टेट्स अपने मन से पास में आके इंडिया नहीं बनाया है इंडिया बना इसलिए स्टेट्स एग्जिस्ट करते हैं ठीक है तो जैसे इंडिया बेल्जियम ऐसा है ना अच्छा कमिंग टुगेदर वाले के केस में जनरली क्या होता है कि जो स्टेट्स है उनके पास में इंडिविजुअल बहुत सारी पावर्स रहती है है ना जैसे कि भाई क्योंकि ये कमिंग टूगेदर ये सब साथ में अपनी मर्जी से है तो इनके पास में जो इनकी पावर्स थी वो तो हैं, पर इंडिया के अंदर इंडिया ऐसी कंट्री के अंदर स्टेट्स के, के पास में उतनी पावर नहीं होती जितने सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल होती है ठीक है यूनिटी अब यूनिटी गवर्नमेंट क्या होती है जिसके अंदर सिर्फ एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट है है ना चलो या फिर जो लोअर लेवल से वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही काम करते हैं मतलब उनका कोई और इसमें रोल नहीं है तो ये हो गई यूनिटरी गवर्नमेंट ठीक है ज्यादातर पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहती है एक्जाम्पल श्रीलंका चाइना सबसे सिंपल एग्जाम्पल चाइना है।, है ना चाइना में एक ही आदमी रूल कर रहा है भैया ठीक है चलो अब इंडिया को फेडरल कंट्री कौन बनाता है अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए एक दो मार्क्स में तो सिंपल सी बात है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि भैया तू फेडरल कंट्री है है ना इंडिया को किसी ने बोला नहीं है कि इंडिया अपना फेडरल कंट्री हो किसी ने नहीं बोला पर इंडिया एक फेडरल कंट्री क्यों है क्योंकि इंडिया का जो सिस्टम बना है कॉन्स्टिट्यूशन में वो फेडरलिज्म वाला ही है है ना अरे तुम खुद सोचो इंडिया को हमने बोला नहीं कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन कहीं नहीं लिखा कि इंडिया फेडरल कंट्री पर तुम खुद सोचो कि इंडिया के अंदर इतनी सारी पोलिटिकल पार्टीज है स्टेट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट सब कुछ है है ना इंडिया के अंदर इतना सारा अलग अलग लोगों के बीच में पावर है लेजिस्लेचर एक्सिक्यूटिव जुडिशी सब कुछ है मतलब पावर तो भर भर के शेयर की हुई है तो फिर तो फेडरल ही होगी ना भाई ठीक है थीके? चलो ये चीज है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने तो डिक्लेयर किया नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या डिक्लेयर किया है कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स ठीक है

समझ रहे हो कि तुम जिस जगह पे हो उस जगह को कंट्रोल कौन कर रहा है

फोकस फोकस नहीं हो रहा है शायद ये है ना जो भी है देखो चार हजार दो सौ नंबे फॉलोअर्स है पढ़ ले इनके ऊपर तो इस पर तो हमको तो फॉलोअर्स चाहिए दस हजार इस स्ट्रीम के एंड तक और साथ में मेरे भी फॉलोअर्स बढ़ा दो मेरे भी थर्टी फाइव थाउजेंड टाइप से तो उसको चालीस हजार कर लेते हैं ठीक है चालीस हजार तो कर ही सकते हैं हम थर्टी फोर पॉइंट एट के हैं ठीक है यह देखो भाई बढ़िया बढ़िया फोटोज डालता हूँ मैं तुम्हारे लिए बढ़िया बढ़िया चीजें करता हूँ और पढ़ ले इन दोनों को ही फॉलो कर रहे हैं हमको जाके ठीक है साथ अच्छा टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन कर ही लो ठीक है टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन कर ही लो एक काम करता हूँ मैसेज भी डाल देता हूँ टेलीग्राम के ऊपर आ जाओ लाइव ठीक है चलो जी आ रही है बात समझ में बहुत ही बढ़िया चलो ठीक है तो पावर जो है वो तीन लिस्ट अब ये लिस्ट बना रखी है तो मैंने बोला ना ना कि 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 तुमको कॉन्स्टिट्यूशन ने ने पहले पहले से से सबको डिफाइन कर रखा है है ना? मतलब बाप बता रखा है कि भाई ये तू तेरे हिसाब से देखेगा ये तेरे से देखेगा, ये तेरे तेरे हिसाब हिसाब से से देखेगा देखेगा मतलब ताकि बाद में भाइयों के बीच में झगड़ा ना हो तो सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशन ने भी पहले से लिस्ट बना रखी है एक यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट और कॉन्क्रेन लिस्ट यूनियन लिस्ट मतलब की यूनियन लिस्ट के अंदर वो सारे चीजें हैं जो कि यूनियन गवर्नमेंट के अंदर है कि भैया ये ये तुम अपने हिसाब से कर सकते हो स्टेट लिस्ट के अंदर भैया ये तुम अपने हिसाब से कर सकते हो कॉन्ट मतलब ये तुम अपने हिसाब से कर सकते हो तो यूनियन गवर्नमेंट

पहले से डिफाइन कर है कि सेंट्रल आप आपने आप ये ये चीजों पर डिसीजन ले सकते हो इसके अलावा कहीं कर आप उंगली नहीं करोगे स्टेट को बोल दिया कि भैया आपने ये डिसीजन ले सकते अलावा करते बोल दिया मतलब लोकल गवर्नमेंट यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल को बोल दे पर उंगली मत करना है ना अब तुम सोचो कि क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल की बोल सकती है आगे की नोटबंदी कर दो ऐसा हो सकता है कि भाई इंदौर के अंदर आके गवर्नमेंट ने बोल दिया कि सिर्फ इंदौर इंदौर में दूसरे नोट चलेंगे है ना इंदौर इंदौर में जो नोट चलेंगे वो अलग चलेंगे बाकी देश में अलग चल क्या इतनी पावर है नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि इस लिस्ट में नहीं है ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन जो देवता थे हमारे उन्होंने हमारी लिस्ट में मेंशन ही नहीं किया कि हमें डिसीजन ले सकते हैं तो नहीं ले सकते कोई नहीं सुनेगा हमारी ठीक है चलो यूनियन लिस्ट के अंदर क्या कहता सबसे इंपॉर्टेंट डिफेंस ऑब्वियसली बात है डिफेंस आर्मी क्या आर्मी हमारी सिटी के कर, उसमें आती है नहीं क्या स्टेट के उसमें आती कि भाई मध्य प्रदेश की इच्छा हो गई कि उसको बॉर्डर पे आर्मी लगाने नहीं मध्य प्रदेश की नहीं चलेगी इसमें गुजरात की नहीं चलेगी इसमें इसमें किसकी चलेगी यूनियन गवर्नमेंट की डिफेंस मिनिस्ट्री की सेंट्रल गवर्नमेंट की ट्रल गन ठीक है फॉरेन अफेयर्स है ना अब फॉरेन अफेयर्स मान लो कि इंडिया की छो की चाइना से वैक्सीन मंगवानी है तो क्या मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट मंगवाएगी क्या गुजरात की मंगवाएगी नहीं ये डायरेक्ट यूनियन गवर्नमेंट के पास बात जाएगी सिर्फ वो कर सकते हैं ठीक है बैंकिंग कम्युनिकेशन करेंसी है ना करेंसी तो ऑब्वियस बात है सेंट्रल गवर्नमेंट इन चीजों पर और भी बहुत सारी चीजें बट ये कुछ कुछ चीजें बता दी तुमको स्टेट में क्या क्या के? जैसे पुलिस है ना पुलिस अब देखो ये सिंपल सा तरीका याद रखने का अगर तुमसे पूछा जाए कि यूनियन और स्टेट और इनके कॉन्टी क्वेश्चन आ सकता है कि दो दो तीन तीन चीजें बताओ तो फटाफट देखो ऐसे फंडे में तुम्हें पूरी सेशन में बताते चलूंगा ठीक है ध्यान से सुनो ऐसे फंडे में तुम्हें पूरे सेशन में बताता चलूंगा जहां पर मैं तुमको क्विकली चीजें बता दूंगा जहां पर तुम्हें याद भी हो जाएगा और फंडा मतलब कैसा जो तुम्हारे दोस्त लोग ने बताते इसको ऐसे याद कर ले ले इसको ऐसे याद याद कर ले। तो वो याद करने का फंडा लेको ऐसा सिंपल सी बात है सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट ने सबसे पहले तो ये चीज याद रख लो करेंसी याद रख लो नोटबंदी से और डिफेंस आर्मी से डिफेंस याद रख लो कि भाई आर्मी कभी भी मध्य प्रदेश आर्मी गुजरात आर्मी नहीं होती आर्मी हमेशा इंडियन आर्मी होती है ठीक है तो किस में आ गई यूनियन लिस्ट में आ गई तो उसके ऊपर जो भी डिसीजन है वो यूनियन लिस्ट लेगा स्टेट गवर्नमेंट अब स्टेट गवर्न अब तुम देखो पुलिस जो है क्या तुमने कभी ऐसा देखा इंडियन पुलिस नहीं हमेशा होता है महाराष्ट्र पुलिस 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 मध्य प्रदेश गुजरात इनफैक्ट जो के जो के साइड में वहां पर लिखा रहता है वहां पर भी ऐसा लिखता है मप्रपो मतलब मध्य प्रदेश पुलिस या एमपीपी है ना या फिर गुजरात पुलिस तो जीजेपी इस टाइप से चीजें लिखी रहती है तो वो किस में आ गया स्टेट में है ना दूसरा कॉमर्स एग्रीकल्चर ट्रेड ये सब किस में आ गया स्टेट की लिस्ट में ठीक है चलो

List, मतलब ये नहीं कि सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कर सकते मतलब सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर कुछ डिसीजन बना सकते हैं ठीक है अगर लॉस कन्फ्लिक करते तो उस केस में यूनियन गवर्नमेंट लॉस प्रवेल करेगा फॉर एग्जाम्पल जैसे मैरिज है अब मैरिज पे मान लो कि मध्यप्रदेश गज है वो अठारह होनी चाहिए पर सेंट्रल गवर्नमेंट बोला इक्कीस कि कि होनी चाहिए

अब भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि भाई उसको अपने रूम के अंदर ब्लैक कलर का सोफा लगाना है और स्टेट को लगा कि व्हाइट कलर का लगा सोफा लगा तो अपने अपने हिसाब से लगा लो अपना अपना कमरा है पर हॉल में किसकी चलेगी भैया है ना ये बड़ी ताजुब की बात है अब हॉल में मान लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहा है कि पचास इंच की टीवी लगाना है और स्टेट वाले बोल रहे कि नहीं बत्तीस इंच की टीवी लगाना है तो किसकी चलेगी तो ऐसे केस में सेंट्रल की मतलब स्टेट सॉरी यूनियन गवर्नमेंट की चलेगी है ना क्योंकि इंडिया के अंदर वो ज्यादा पावरफुल है पावरफुल्पेरेटिवली ठीक है चलो ये याद रखना अब रेसिड्य सब्जेक्ट अब ये वो सब्जेक्ट्स है जो कि इन तीनों लिस्ट में नहीं आते हैं ठीक तो है Computer, Software, Cyber, Security, तो इनमें सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से लॉज बना ये कुछ ऐसे नई नई जो आती रहती है साइबर सिक्योरिटी है अब जरूरत है अब जैसे ए आ, तो तो है, है आ गया तो ए भी इनमें एड हो जाएगा तो ऐसे कुछ रेसिडोरी सब्जेक्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से लॉज बनाते रहती हैं ठीक है चलो तो ये यूनियन स्टेट और कॉन्ट है डिफेंस अटोमिक एनर्जी वॉर है ना पोस्ट टेलीग्राफ एयरवेज है ना

मतलब मेरे स्कूल में तो जितनी भी मैम थी भाई वो तो सब शादीशुदा थी उनके तो बच्चे मेरे इतने बड़े हो गए तुम्हारी मैथ्स वाली मैम कौन सी भाई इक्कीस बाईस साल की कौन सी मैथ्स वाली मैडम आ रही है खैर कोई बात नहीं अच्छा लगा मुझे सुन के अब बुरा तो लगेगा नहीं अब तुम तो इसमें ऐसे हो जाओगे कि अरे भैया क्यों, क्यों क्यों बुरा लगेगा भाई अपनी तारीफ सुनना किसको बुरा लगता है थैंक यू भैया फॉर दिस अमेजिंग सेशन अरे अभिराज थैंक यू सो मच चलो जी रही है ना बस समझ में प्रणय भैया बेस्ट था थैंक यू वेरी मच भाई तुम लोग यार दस हजार लाइव ले आ सकते हो क्या कल कल तक का टाइम है कल हमको चाहिए है ना कल ज्योग्राफी का भी है सिविक्स तो बहुत बच्चों को आता भी होगा ज्योग्राफी हिस्ट्री वाले में भी है अच्छा आठ तारीख मैंने तुम लोगों की फ्री रखी है कि भाई उस दिन होली है पर मेरे लिए तो फ्री नहीं है मैं तो उस दिन तब भी वीडियो डालूंगा तुम्हारे लिए और अगले प्रिपेयर करूंगा ठीक है चलो ब्रेक दे दो अच्छा एक घंटा भी नहीं हुआ ब्रेक चाहिए चलो

प्लस जो स्लाइड्स का काम करेगी कोई भी नोट्स जो है वो कितने भी अच्छे तो हों ये पर ये स्लाइड्स है ना ये कोई मन से बनाई हुई लाइंस नहीं है चाहता तो मन से ही बना सकते थे पर हमने क्या किया है हमने एनसीआर की लाइन उठाई भी इंपॉर्टेंट रहे बच्चे के लिए तो मैं जो पढ़ा रहा हूं वो प्लस ये slides, प्लस जो पीवाईक्यूज तुम लोगों के लिए मैं आज शाम तक आज रात तक डाल दूंगा तैयार करके सारे ये तीनों चीज अगर किसी ने कर ली तो जिस बच्चे के कुछ नहीं भी आ रहे थे उसके मतलब ये बीस में से सत्रह अठारह नंबर तो आ ही जाएंगे और जिस बच्चे के सत्रह अठारह आ रहे थे उसके बीस में से बीस आ जाएंगे ठीक है एज सिंपल एज दैट क्योंकि से ज्यादा कुछ नहीं आएगा इससे बाहर कुछ नहीं आएगा ये जो है इसी में से सब कुछ आएगा ठीक है, तुमको, कुछ भी छोड़ रहा है। चलो अच्छा लगा है के पता है कभी, -कभी तो बहुत अच्छा लगता है जैसे हमारी टीचर जब बोलते न, कि जो मैं पढ़ा रहा न, बस उतना सुन लो, आएगा। तो वही ऐसा लगता है कि चलो, कुछ तो समझ में आया जिंदगी में वरना अभी तक तो जिंदगी गुमनामी में चल रही थी पूरी हमारी ठीक है चलो अब जुडिशियरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, है ना अब वही मतलब लो कि स्टेट और सेंटर की लड़ाई होगी इसमें जो करना कर ले तो भाई इस केस में जुडिशरी आएंगे बीच में वो आएंगे बोलेंगे रुको 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 मैं बताता हूं कौन सा सोफा लगेगा तुम क्या कह हो मतलब फिर वो दोनों की दलीलें सुनेगा जुडिशियरी ठीक है कोर्ट ठीक है चलो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इनमें डिसीजन ले सकते हैं अब फेडरेशन जो है वो होल्डिंग टुगेदर वाले उसके अंदर ये इक्वल पावर नहीं देता है है ना मतलब वही चीजें जो इंडिया के अंदर बता कि इंडिया के अंदर सेंट्रल और आ, स्टेट गवर्नमेंट में, में ज्यादा पावर्स है तो बात है ठीक है चलो अच्छा इंडिया के अंदर भी कुछ स्टेट्स हैं जिनके पास में आइडेंटिकल पावर्स नहीं है जैसे फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर है तो इसके पास में पहले एक स्पेशल स्टेटस हुआ करता था ठीक है चलो यूनियन टेरिटरीज फॉर एग्जांपल यूनियन टेरिटरीज है तो यूनियन टेरिटरीज क्या है भाई वो जगह है यूनियन टेरिटरीज किसको बोलते हैं वो ऐसी छोटी जगह है जिनको हम पूरा स्टेट भी नहीं बोल सकते और ना ही हम किसी और स्टेट में उसको मर्ज कर सकते जैसे दिल्ली है तो दिल्ली भाई अपने आप में इतना बड़ा है पर इतना भी बड़ा नहीं है कि हम उसको स्टेट बना दे तो दिल्ली क्या हो गया यूनियन टेरिटरी हो गया है ना और जो साउथ दिल्ली वाले इसको देख रहे तो मार ले दिल्ली ठीक है तो दिल्ली और दिल्ली दोनों मुझे बोलना आता है ठीक है तो डोंट जज मी ठीक है कोई भी लोगों को ऐसा कर रहा है कि प्रणबय बहुत ही देसी बातें कर रहे हैं तो everything नोज एवरीथिंग knows नोज हाउ टू स्पीक द मोस्ट English इंग्लिश प्रणबय नोज हाउ टू नहीं ठीक <laughs> है शर्मा आता हूँ मैं कभी कभी ज्यादा बातें करते करते चलो

कि भाई जो लोग सेम लैंग्वेज बोलते हैं वो एक एक स्टेट में आ जाए ठीक है ताकि उनका कल्चर सब सेम रहे दूसरा तो अच्छा अब लैंग्वेज पॉलिसी देखो इंडिया की इंडिया की लैंग्वेज पॉलिसी देखो अच्छा चलो सब लोग के के अंदर अंदर मुझे चैट पहले बताओ कि इंडिया की नेशनल लैंग्वेज कौन सी फटाफट बताओ इंडिया की नेशनल लैंग्वेज कौन से थोड़ा इंटरेक्ट करते हैं यार ठीक है ऐसा सिर्फ मैं अकेला अकेला बोल रहा हूं तो मुझे मजा नहीं आ रहा ओ एम जी सो क्यूट थैंक यू सो मच सरा रेसीडुअरी uh, क्या होता है खुशी रेसी मतलब मतलब uh, <coughs> अच्छे एग्जाम्पल से बताऊंगा तुमको तुमको ना मैं वैसे ही किताबी ज्ञान तो कभी देता नहीं हूं किताबी ज्ञान मुझे देना भी नहीं है पर कई बार पता है कौन पे मैसेज कर रहा है चायोस चाय चाय पीने जाओ मैं बीच में चलो बंद करो इसको हाँ सब्जेक्ट मतलब बच्चे कुछ ही चीजें है, है ना अब जैसे हमने भाई सेंट्रल एक तो सेंट्रल लिस्ट बना ली एक स्टेट लिस्ट बना ली एक कॉन्ग्रेस बना ली अब क्या इन तीन लिस्ट में हम देश में होने वाली हर एक घटना को लिख सकते थे नहीं लिख सकते थे तो जो बच्चे कुछ थे सब्जेक्ट होते साइबर सिक्योरिटी अब थोड़े टाइम ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ जाएगा है ना या फिर जैसे कि तुम्हारा जो डेटा लीक होने का हम सुनते ना कि अरे डेटा लीक हो गया डेटा लीक हो गया तो ये जो चीजें जो नई नई एड होती है जो बच्ची कुछ चीज है सब डोरी में आ गई रेसीडोरी मतलब जो भी बच्ची हुई चीज है बच्ची कुछ चीज है वो सारी रेसीडोरी में आ गई ठीक है चलो कौन कह रहा है भाई ओ हो तुम तो समझदार हो यार शेट यार तुम लोगों को तो पता है यार मैं था तो मुझे तो नहीं पता था मैं तो हिंदी बोल देता था था। नहीं है इंडिया के अंदर सिर्फ ऑफिशियल हैं, जिसमें हिंदी एक ऑफिशियल भी ऑफिशियल मतलब भी ऐसा नहीं हुआ कि कि किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज का दर्जा ऊपर है ठीक है जो चीज आ, हमारे श्रीलंका में की थी कि अरे मैं यू आ जाओ तुम तो तुमसे लड़के बताऊंगा निकलो ऐसे वो चीज इंडिया में नहीं हुई इंडिया में बोला कि लैंग्वेज नहीं है सारे लैंग्वेज एक बराबर ठीक है चलो तो ये लैंग्वेज पॉलिसी इंडिया की इंडिया के अंदर कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है हिंदी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश है इसके अलावा 26, 21 और 21 और अभी और बढ़ती जाती है लैंग्वेजेस तो ठीक है स्टेट्स की खुद की भी ऑफिशियल लैंग्वेज होती है है ना अब कोई भी बच्चा जो है कोई भी कैंडिडेट जो है वो अपनी गवर्नमेंट अगर गर्व पोजिशन लिए एग्जाम देनी है तो किसी भी लैंग्वेज में दे सकता है फॉर एक्जाम्प अगर तुम यूपीएससी देने रहे हो तो यूपीएससी देने जा रहे हो तो तुम्हारी जिस इच्छा में तुमको एग्जाम देनी है उसमें दे सकते हो

मान लो कि किसी के पास में आ गए 230 है ना और किसी के पास में आ गए 220 और बच्ची किसी और कुछ किसी, किसी के पास में आ कितना ढाई 250 से ज्यादा सीट है नहीं तो बोला भैया इसके पास में है तो सही ज्यादा सीट पर ज्यादा है इसको मैं मैक्सिम बोल सकता हूँ इसको मेजोरिटी नहीं बोलूंगा मेजोरिटी मतलब ज्यादा सीट जो भर के बैठा हो ठीक है तो इस केस में क्या होगा कि अब जो रीजनल पार्टीज है मान लो कि अब ये तो तीनों जो हमारी नेशनल पार्टीज गई वो बड़ी बड़ी पार्टी है और मान लो कुछ छुटकी छुटकी पार्टीज भी होंगी है ना कि भैया दो तीन सीट इसके पास आ गई तीन चार सीट इसके पास आ गई है ना ये पचास वाला हटा देता हूँ फॉर एग्जाम्पल है ना फिर दस सीट इसके पास आ गई तो इस केस में क्या होगा कि ये ये जो मान लो इसमें 230 वाली जो गवर्नमेंट है ये क्या करेगी कि कि किसी के साथ में कोलिशन बना लेगी कि मतलब या तो इन दोनों ने आपस में बना लिया या फिर इसने बोला कि भाई ये काम करते हैं कोई छोटी सी गवर्नमेंट ढूंढते हैं कोई छोटी सी पार्टी ढूंढते हैं जिसके 20 हैं। तो इसको उठा लेते तो और अपने साथ ले आते हैं तो अब मेरे पास में आगे दो सौ तो अब क्या हुआ कि ये पार्टी और ये पार्टी इन दोनों ने साथ में क्या किया गठबंधन यानी कि कोलिशन गवर्नमेंट बनाई तो इसको बोलते हैं कोलिशन अब इस केस में क्या होगा कि ना ये पूरी पावर में है ना ये पूरी पावर में मतलब इसको अगर कुछ भी डिसीजन लेना हो तो इससे पूछ के लेना पड़ेगा

है ना छोटे छोटे तो बोलते है तो है ना? चलो। बात है इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है क्या तुमको लगता है कि यूनियन गवर्नमेंट के अंदर पांच सौ लोग मिलकर इंडिया की पूरी गवर्नमेंट को रूल कर सकते है? नहीं यहां पर लोकल गवर्नमेंट की जरूरत है यहां पर म्यूनिपल कॉर्पोरेशन की जरूरत है यहां पर ग्राम पंचायत की जरूरत है यहां पर तुम्हारे जो सिटी के अंदर जो नगर निगम है उसकी जरूरत है क्या जरूरत थी इनकी क्या अकेली यूनियन गवर्नमेंट नहीं ले पाती डिसीजन ले पाती पर क्या वो ढंग से ले पाती नहीं क्योंकि इंडिया इतनी बड़ी है इतनी डाइवर्स है है ना तुम खुद सोचो कि तुम्हारे शहर में जो कचरा लाने ले जाने का जो सिस्टम है क्या उस इतनी बारीकी तक कोई भी एक इतनी बड़ी गवर्नमेंट इतनी बड़ी लेवल ले पर गवर्नमेंट डिसीजन ले सकती है नहीं ले सकती है ना तुम्हारे जो स्कूल के प्रिंसिपल है क्या वो छोटे से छोटा डिसीजन ले सकते हैं कि तुम्हारी क्लास में तुम किसके साथ बैठ रहे हो तू इसके साथ नहीं बैठेगा इसके साथ बैठेगा ये डिसीजन तो क्लास टीचर लेगी ना क्योंकि वो उतनी बड़ी लेवल पर नहीं ले सकते डिसीजन उनके इतना सारा लो देखने को तो उन्होंने क्या 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 आएंगे कि फुटबॉल का मैच तीन तारीख को कि चार तारीख को रहा है नहीं वो तो पीटी टीचर देख लेगा है ना तो इसको बोलते डिसेंट्रलाइजेशन क्योंकि इंडिया जो है वो बहुत बड़ी कंट्री है बहुत डाइवर्स कंट्री है ठीक है एडवांटेजेस ये देख लो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल एडवांटेजेस क्या है ऐसे कैसी चीज उतार ना पूरा नंबर मिल जाएंगे ठीक है डिसेंट्रलाइजेशन क्या है कि भाई बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है वो लोकल लेवल लेव सॉल्व आती है अब मान लो कि मैं बैठा हूं गट्टू के साथ में अब गट्टू मुझे परेशान कर रहा है तो क्या मैं ये प्रॉब्लम लेके प्रिंसिपल सर के पास पहुंच जाऊंगा नहीं अब मैं अपनी टीचर से बात कर सकता हूं कि मैडम इसको चेंज कर दो यार ये सर इस कुछ यार मत बोलना चांटा पड़ जाएगा ठीक है मैं नहीं मारूंगा वो मार देंगे पर मैम इसको चेंज कर दीजिए सर इसको चेंज कर दीजिए मुझे इसके साथ नहीं बैठना है है ना ना तो तुम लोकल लो ना? तुम लोकल लेवल पे उसको सॉर्ट कर लोगे अब छोटी छोटी चीजें लेके प्राइम मिनिस्टर के, के पास थोड़ी जाओगे ठीक है तो ये चीज आ गई तो इससे क्या होता है कि प्रॉब्लम सोल्व होने लगे अब मान लो कि पूरे स्कूल में दस क्लासेस तो दस क्लासेस के मान लो सौ बच्चे प्रिंसिपल सर के पास पहुंच गए कि उनको अपनी सीट चेंज करानी है तो क्या यह पॉसिबल है नहीं पर इसकी वजह मान लो दस बच्चे अपने अपने क्लास टीचर के पास में गए तो वो इसलिए करा सकते अपना काम ठीक है अब डायरेक्टली भी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं है ना डिसीजन मेकिंग में मतलब अब जो टीचर है वो खुद भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं डायरेक्टली ठीक है तो ये लोग जो है वो लोकल लेवल पर डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर पाते हैं अब मैं पार्लियामेंट के अंदर तो बैठ नहीं सकता जाके पर मैं ये तो कर सकता हूं कि मान लो मेरी जो लोकल या मान लो मेरी जो ग्राम पंचायत है मान लो मैं किसी गांव में रहता हूं मेरी जो ग्राम पंचायत है उसमें जाके मैं अपनी कुछ शब्द बोल पाऊं क्या मैं पार्लियामेंट में बोल सकता हूं नहीं है ना पर मैं अपनी ग्राम पंचायत में लोकली तो बोल सकता हूं तो स्पिरिट बढ़ता है इससे ठीक है ऐसा लगता है कि हम भी एक पार्ट है ठीक है चलो

अपनी जो पार है उनको लोकल गवर्नमेंट के साथ में शेयर करना पड़ता है आरी तो ये पांच बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अगर तुमसे पूछा जाए कि थर्ड ऑफ गवर्नमेंट के क्या रोल्स है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या 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 नई 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 चीज है तो ये पांच ऐसे कैसे पॉइंट से, से ये पॉइंट तुमको मिल जाएगी तुम चिंता मत करो से हड़ाओ मत ठीक है या स्क्रीन लेना चाहता है तो पर कोई दिक्कत नहीं यार तुमको टेलीग्राफ मिल जाएगी इसके बाद में ठीक है चलो ओके रूरल गवर्नमेंट को हम क्या बोलते हैं पंचायती राज अब देखो यहां से कुछ चीजें हैं जो तुमको याद करने वाली इसके अंदर कुछ भी नहीं है ठीक है चलो ठीक है, चलो कोई नहीं भाई हम हाँ अभी थोड़ा दस ही मिनट करके थोड़ा सा ब्रेक भी लेंगे ले चिंता मत करो थोड़ी एनर्जी लगती रहे ठीक है थोड़ा कूदा फांदी होती रहिए चैप्टर में करते हैं ना हम थोड़ी कूदा फांदी, ठीक है चलो गेम वेम खेलेंगे बढ़िया तरीके से ईच विलेज या ग्रुप ऑफ विलेजेस इन सब में क्या है कि ग्राम पंचायत अब देखो

वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक अपना काम कर लेती है ठीक है और उसके नीचे फिर पंचायत समिति ब्लॉक और मंडल ये सब आने लगे मतलब गांव गांव तक तुम्हारा जो डिसीजन मेकिंग है वो इजी हो पाए ठीक है इसके लिए बनी ठीक है फिर सारे पंचायत समिति मंडल डिस्ट्रिक्ट ये सब साथ मिलकर जिला या डिस्ट्रिक्ट परिषद बनाते हैं ठीक है अब बहुत सारे मेंबर जो जिला परिषद के हैं उनको इलेक्ट करते हैं अब देखो जो तुम्हारे लोकसभा के मेंबर हो गए एमपी एमएलए ये सब जो हैं इनकी भी रिस्पांसिबिलिटीज हैं कि भाई ये जिला परिषद के मेंबर हों ठीक है ताकि मान लो कि एक छोटे से गांव के अंदर कोई भी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको अगर बड़ी लेवल पे लेके जाना है, तो कौन लेके जाएगा एमपी एमएलए लेके जा पाएंगे जो पार्लियामेंट में बैठे होंगे ठीक है तो जिला परिषद जो थे जिला परिषद चेयरपर्सन इज द तो पॉलिटिकल हेड ऑफ जिला परिषद ठीक है ये याद रखना कि जो चेयरपर्सन है वो पॉलिटिकल हेड है जिला परिषद के अभी बस में बहुत बढ़िया चलो अब जैसे बड़े बड़े शहरों की बात करते तो हमने तो गाँव की बात कर ली कि ग्राम पंचायत है पंचायती राज है फिर उसके अंदर ग्राम पंचायत में ये लोग हैं सरपंच है ये सब है अब बड़ी सिटीज में क्या होता है अर्बन एरियाज में क्या एक बड़ी सिटी में ग्राम पंचायत होती है? नहीं वहां पर क्या होता है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन या म्यूनिपालिटीज होती है जैसे मुंबई की बात करते तो मुंबई में क्या है बीएमसी यानी कि ब्री मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वो इतनी बड़ी है अपने आप में इतनी पावरफुल है क्यों क्योंकि सिटी इतनी बड़ी है ठीक है तुम उसकी बिल्डिंग देखोगे इतनी खूबसूरत बिल्डिंग है वो ठीक है कभी तुम गए हो अगर कभी तो ठीक है खैर लीडर मिनिपल कॉर्पोरेशन दोनों आ, को इलेक्ट कौन करता है ये people's representatives, people's representatives करते हैं ठीक है पोलिकलिटी है? है ना इनको मेयर भी बोलते हैं मेयर यानी कि महापौर जो तुम्हारी सिटी के महापौर है मतलब वो कौन है तुम्हारे मिनिपल कॉर्पोरेशन या जो म्यूनिपल याटी के जो है उनको हम बोलते हैं मेयर ठीक है mayor, चलो जी ये पूरा तुम्हारा माइंड मैप बन गया यहाँ पर यह सबसे सिंपल चीज सबसे आसान चीज सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट को बोलते हैं जिला परिषद ठीक है जिला जिला आ रही बात समझ जिला जिला तो यही चीज है उसको जनरली हम जिला

ठीक है और उसके ऊपर आ गया पंचायत समिति मतलब कि तीन चार गांवों ने मिलकर एक पंचायत समिति बना ली है ना जैसे कि एक, एक उस, पंचायत तो 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 समिति मतलब कि जैसे समिति समिति मतलब कलेक्शन तो तीन चार गाँव का कलेक्शन उनको हम बोलते हैं ब्लॉक्स है ना कि भाई ये एक ब्लॉक है इसके अंदर चार गांव है ठीक है और वो ब्लॉक्स किसके अंदर काम करते हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर काम करते हैं ठीक है चलो

तीन टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट है उसमें जो सबसे छोटी टीयर है जो लोकल गवर्नमेंट है उसके पास में क्या सारी पावर्स इक्वल उसको मिल जाएंगे नहीं क्योंकि बहुत छोटे लेवल पे है ठीक है तो कई बार ऐसा होता है कि वहां पर इलेक्शन बोलने को तो रेगुलरली होता है पर कई बार इलेक्शन ढंग से नहीं हो पाते कई बार उनको पैसे नहीं मिल पाते है। अब मान लो कि जो छोटा ग्राम सभा है ग्राम पंचायत है उसको अपने गाँव के अंदर खेती के लिए कुछ पैसे लोन देने अब उसने डिस्ट्रिक्ट को अर्जी डाली डिस्ट्रिक्ट ने स्टेट को अर्जी डाली स्टेट ने फिर अलग अर्जी डाली तो ये अर्जी डलते डलते, डलते उनका काम जो ही चला जाता है तो ये एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है कि उनके पास में जो प्रॉपर फाइनेंस है प्रॉपर जो पैसा है वो नहीं आ पाता है चीजों को कंडक्ट करने के लिए ठीक है ठीक है चलो उनके पास में रिसोर्सेस भी इतना ज्यादा नहीं बचते हैं ठीक है चलो जी अब इसी के साथ में चैप्टर के पास जो कि है जेंडर रिलीजन कास्ट ये चैप्टर को भी हम फटाफट समाप्त कर लेंगे थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है थोड़ा सा और इसके बाद में फिर पॉलिटिकल पार्टीज बचा है जो कि अगेन पूरा ही चैप्टर कि भाई अलग अलग पार्टीज का माइंड में बना के दे दूंगा मैं या तुमको वो क्वेश्चन के अंदर मिल जाएगा और उसके अलावा तो, तो बस अगर तुमने को कर ले तो तुम्हारा काम हो जाएगा चलो अब थोड़ा हम ब्रेक लेते मतलब क्या तुमको ऐसे नहीं किया देखो तो मुझे पता तुम फोन लेके चले जाते हो तो अभी कोई शर्मा और नहीं ले जाते चले जाओ दो मिनट तक कुछ नहीं बोल रहा हूँ ब्रेक है पर ऐसा नहीं कि दो मिनट लिख के मैं खुद भी चले जाऊँ मैंने

गवर्नमेंट फॉर्म कोलिशन गवर्नमेंट विद मोर देन टू पार्टी भाई वही तो कोलिशन मतलब दो या दो से ज्यादा पार्टी साथ मिलकर अच्छा मोर देन टू पार्टीज भी कर सकते हैं पर इतनी भसड़ हो जाएगी ना उसमें तुम खुद हो तो एक तो पहले ही दो लोग आ गए है ना वो दो लोग ही कर देंगे उसके ऊपर से तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा हो तो मतलब बहुत ही दिमाग खराब करने वाला काम हो जाएगा ठीक है सेंट आर्मेड स्कूल में आ जाओ विजयनगर में प्लीज ओके भयंक ठीक है मैं सुन रहा हूँ और भी कोई है क्या इंदौर वाले यहां पर यार कोई दिक्कत नहीं कहीं से भी हो ठीक है जय श्री राम ओके प्रणब यू सो मच ठीक है जिम गया नहीं हूं क्योंकि मेरे जो है ना uh, पैर दुख रहे हैं पर हम थोड़ी सी जॉगिंग वॉगिंग कर लेते हैं ठीक है माइक निकाल दो चलो वन टू थ्री फोर मैं अकेले हो सकता रहता तुमने कभी किसी इंसान को देखा यूट्यूब के पर आ कैसे हो सकते हो ठीक है नहीं देखा होगा क्योंकि सब लोग अपने को ऐसे

भैया मैंने फैमिली को भी लाइव शेयर कर दिया स्वास्थ्य यार ऐसा बता दिया करो कि फैमिली को भी शेयर कर दे क्योंकि मैं समझता हूँ कि हम जब अपने अपने तो मैं कुछ ऐसा ना बोल जाऊँ जो फैमिली वालों को अच्छा ना लगे ठीक है और वो बोलेंगे कि इनसे पढ़ रहे हो ये क्या पढ़ाएंगे तुमको तो तुम बोलना कि ये ये पढ़ाते पढ़ाते नहीं बस है बस बातचीत करते हैं ठीक है उसका बाय प्रोडक्ट है कि हमें समझ में आ जाता है हा प्रणय चाचा जिंदाबाद ठीक है भाई मुझे याद ही नहीं है Uh, और क्या क्या कह रहे हैं भाई लोग एक काम करता हूँ ना फोन में चला लेता हूँ दिख जाता है ठीक है चलो सारे लोग भाई प्लीज मेक श्योर sure कि तुम इस सेशन को शेयर कर दो या फिर अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भाई ये चैप्टर पर्टिकुलर किसी और को पढ़ना होगा तो इस चैप्टर को पढ़ने वाले को भी शेयर कर सकते हो ऑडियो अगर सही आ रहा है ठीक है भाई यार बढ़िया क्वालिटी यार अपने पास है इक्विपमेंट अच्छे ले रखे हैं शादी का बोली शादी है भाई दस पंद्रह साल है आराम से मेरी संस्कृत क्लास है अरे चले जाओ भाई देवांश

उसमें से ज्यादा सीट कौन कौन सी पार्टी भर रही है वो पार्टी जो है वो मेजोरिटी बन जाएगी है ना फिर उसी की पार्टी से कोई प्राइम मिनिस्टर निकल जाएगा जैसे अभी टाइम बीजेपी है तो बीजेपी का क्या हुआ बीजेपी के मतलब बीजेपी ने सीट्स भर ली पार्लियामेंट के अंदर मतलब मेजोरिटी सीट्स पे बीजेपी के मेंबर्स बैठे हुए ठीक है तो मतलब बीजेपी पार में आ गई तो अल्टीमेटली क्या होता है फाइव फोर्टी सीट फाइव फोर्टी थ्री सीट हमारे इंपॉर्टेंट क्योंकि जितने भी डिसीजन हमारे देश के लिए लिए जाते हैं वो वहां पर वो पांच लोग मिलकर ले रहे होते हैं ठीक है क्योंकि उनको हमने इलेक्ट किया है ठीक है चलो और बताओ विद्यासागर विद्यासागर क्या है अच्छा स्कूल है ओके पता मुझे आ, और बताओ और बताओ अरे 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 आराम से टेक माय नेम भैया पुणे आ जाओ बिल्कुल यार पुणे आता हूँ ओके हमारा टीचर कहाँ गया क्या था ये अरे यार एक तो इसमें यार लैपटॉप में सही से समझ में आता है इसमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं इतने सारे मैसेजेस भैया भैया मैं प्रणय भैया क्या भाई अब तुम बताओ मैं कैसे कैसे पढ़ूंगा कोई मैसेज कैसे पढ़ूंगा बताओ दिख रहा है तुम्हें तो <laughs> चलो बैंगलोर बैंगलोर तो मैं कुछ दिन पहले आया था यार देखो बैंगलोर बॉम्बे दिल्ली ये तीन जगह में बहुत ज्यादा आता जाता रहता हूं चलो आ, अच्छा इसमें देख लेता हूं इस एनसीआर रीडिंग ना 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 भाई अब एनसीआर रीड करने नेसेसरी तो है पर अभी टाइम नहीं है कि तुम तो रीड करने बैठो ओके ओके लव यू लव यू टू यार थैंक यू सो मच दैट मीनस अ लॉट आई लव यू टू थैंक यू डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि सेंट्रलाइजेशन हटा देना मतलब कि पावर को और डिस्ट्रीब्यूट कर देना आगे ठीक है जो मैं स्लाइड्स स्लाइड भेजूंगा ना इसको एक बार तुम रीड कर लो ना बड़ी आसान से बनी हुई है यार तुमको एक बार में सब समझ आ जाएगा मेरा बर्थडे भी चार मई को है आप अरे वाह दैट्स अ ग्रेट ओके आई जस्ट लव चीयरफुल पर्सनालिटी थैंक यू सो मच दैट मींस अ लॉट Uh, 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 uh. ये आर आई कौन कर रहा है यार भाई मत करो यार प्लीज तुम चाहते हो क्या ऐसा है कोलिशन गवर्नमेंट बना रहा है सर कुछ नहीं है सेम चीजें हैं कोलिशन गवर्नमेंट बनी मतलब अलायंस बना ठीक है कोई डिफरेंस नहीं है ठीक so, so, so so है चलो आई लव यू सो 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 मच थैंक यू सो मच आई लव यू टू सानिया मुस्कान हाय

Uh, थोड़ी इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है मतलब बस ये कि थोड़ा थियोटिकल पोर्शन ज्यादा तो जो समझाने वाला मैं तुमको समझा दूंगा जैसे मान लो कोई बड़ा वर्ड है उसको मैं समझा दूंगा पर तुम चाहते हो क्या एक एक लाइन रीड करके बताऊं अब तुमको लिखा गया कहीं कि भाई इंडिया के अंदर जेंडर इतने सारे मतलब जेंडर तो इतने सारे नहीं है रिलीजन इतने सारे कास्ट इतने सारी है तो क्या तुम लोगों को मैं रीड कर करके बताऊं तुम चाहते हो ऐसा मतलब जो सिंपल सिंपल वर्ड है ना वो तो चीज नहीं है बट हाँ जहां जहां पर फंडे होगा वहां पर मैं तुमको ऐसे करके बता दूंगा सारी चीजें ठीक है लेट्स बिगिन नीचे है ना अगर कोई होगा नीचे वाले फ्लोर पर तो वो इस सेशन के बाद में एक चांटा ही मार के जाएगा मुझे इतना जो मैं रहा ऊंचा कराऊ चलो

यार तुम अच्छे-अच्छे क्लिप्स इंस्टाग्राम पर डालो यार बढ़िया से टैग वैग करो मजा आएगा थोड़ी फील आएगी मतलब ये सेशन देखने के बाद लगना तो चाहिए इंस्टाग्राम भरा हुआ पूरा दोनों इंस्टाग्राम एट द रेट पढ़ ले, इन भी और एट द रेट कौन बनाए भी ठीक है मैं बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहा हूं अपना इंस्टाग्राम ठीक है बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहा हूं मैं कि मेरा इंस्टाग्राम हैंडल एट द रेट कौन प्रणय है क्या मैंने एक बार भी ऐसा प्रमोट किया कि मेरा इंस्टाग्राम एट द रेट कौन प्रणय है नहीं किया ना मैं बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहा हूं आई एम नॉट एट ऑल प्रमोटिंग दट माई इंस्टाग्राम अकाउंट इज द रेट कौन प्रणय आई एम ऑल्सो नॉट प्रमोटिंग अकाउंट एट द रेट पढ़ले इन विदाउट एनी डॉट एम आई प्रमोटिंग एनीथिंग नहीं क्या मैं प्रमोट कर रहा हूं क्या तुमको ऐसा लग रहा है मैं प्रमोशन कर रहा हूं बैठ के यहां पे नहीं कर रहा हूं ना मैंने किया क्या कि प्रमोट किया मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट पर क्या मैंने ऐसा प्रमोट किया कि टेलीग्राम चैनल को लिंक डिस्क्रिप्शन में और जाकर उसको चेकआउट कर लो जाकर वहां पर सब्सक्राइब कर लो ताकि तुमको ये पीडीएफ जो पूरा पूरा सेशन के पीपीटी है तुमको वहां पर मिल जाए क्या मैंने ऐसा बोला एक बार भी नहीं बोला क्या मैं प्रमोट कर रहा हूं अपना इंस्टाग्राम नहीं कर रहा हूं ठीक है चलो तो जो भी लोग चैट के अंदर ऐसा बोले कि मैं प्रमोट कर रहा हूं, उन लोगों को भाई पहले ही बता दो मैं कि मैं बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहा हूं, क्या मैं थोड़ा सब्सक्राइब करो, कर करो अच्छा मेरी बात सुनो पहली बात तो चलो ये तो क्या मैं प्रमोट करूंगा पांच हजार लोग लाइव देख रहे हैं तुम से अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं रखा है तो अपने घर का एड्रेस पर लिख के दो मैं साक्षात तुम्हारे घर आऊंगा दर्शन करते हुए बोलूंगा कि मालिक कृपया क्यों नहीं कर रहे हो क्या आपके पैसे लग रहे हैं इसमें हा? हम जब बढ़िया इतना अच्छा काम कर रहे इतनी कर रहे रहे इतनी मेहनत हैं तो एक सब्सक्राइब पे क्लिक तो आप कर ही सकते हो है ना और ग्यारहवीं बारहवीं भी तुमको साथ चाहिए ना ग्यारहवीं भी वो वो गाइडेंस चाहिए ना जो तुमको बहुत अच्छा लेके जा सके आगे तो वो भी कौन देगा मैं दूंगा हम देंगे ठीक है चलो ये तो नेता वाली बात कर दी मैंने थोड़ा पॉलिटिक्स घुस गया ठीक है चलो पहलेवरव्यू देख लेते हैं कहने का बस ये है कि कैसे सोशल डायवर्सिटी डेमोक्रेसी को थ्रेटन करती है या नहीं है ना भाई अलग अलग टाइप की सोशल डायवर्सिटी होगी किसी भी फॉर्म में जेंडर रिलीजन कास्ट फॉर्म में या लैंग्वेज के फॉर्म में तो क्या वो सोशल डायवर्सिटी डेमोक्रेसी के ऊपर खतरा है या नहीं ठीक है वापस एनर्जी आ रही धीरे धीरे नवेंद्र ठीक है चलिए चीज है एग्जाम हम अलग अलग जो डेमोक्रेसी का उसको हम फॉलो हैं जेंडर, जेंडर के ऊपर चैप्टर का नाम क्या है जेंडर रिलीजन कास्ट तो तीनों को अलग अलग देखेंगे जेंडर रिलीजन और कास्ट तो पहले तो हम तो देखेंगे जेंडर के ऊपर कि जेंडर इन पॉलिटिक्स कैसा है और पॉलिटिक्स इन जेंडर कैसा है ठीक है चलो जेंडर आते हैं सबसे पहला जेंडर डिवीजन तो इंडिया के अंदर हमने देख रखा है कि हमने ओवरऑल देखा है कि हायरार्किकल डिवीजन तो है ना मतलब इंडिया के अंदर हमने देखो ये तो वही यार, यार ये सारी वो चीज़ वाली चीज़ है, से ठीक है जैसे पब्लिक और प्राइवेट डिविजन देख लेते हैं तो ये जेंडर के बेसिस पे ठीक है जैसे तो ऊपर हमेशा से माना गया कि वुमेन जो है वो घर का चूल्हा चौका करने के काम के लिए और बॉयज का काम, कमाई वाला काम करने के लिए ठीक है इनफैक्ट लेबर का भी डिवीजन कर रखा है लेबर का डिवीजन मतलब कि औरतें ये ये काम करेंगी और आदमी या फिर मैन ये, ये ये काम करेंगे तो ये सारा डिवीजन कर रखा है पहले से ठीक है पर इसका मतलब ये नहीं क्या ऐसा है कि अब जैसे हमने क्या कर रखा डिफाइन कर दिया कि भाई चूल्हा चौका तो लड़कियां ही करेंगी तो क्या लड़के चूल्हा चौका नहीं कर सकते क्या मैं रोटी नहीं बना सकता बिल्कुल बना सकता हूं मेरे में मतलब कुछ ऐसा तो है नहीं रोटी बनाने में कि आपको पहले उसमें आईडी डालनी पड़ती है और फिर अगर आप फीमेल हो तो ही आपका वो गैस चालू होगा ऐसा तो कुछ नहीं है कोई भी बना सकता है पर ये हमने बस धारणाएं बिठा रखी दिमाग के अंदर क्या कोई लड़की एक सीईओ नहीं बन सकती बिल्कुल बन सकती है और है भी सही ठीक है पर हमारी क्या धारणाएं होती है लोकल रूरल एरियाज में कि नहीं नहीं लड़कियों का काम ये है जो कि बहुत गलत बात है ठीक है चलो अब रिजल्ट क्या है इसका देखो इसका रिजल्ट यह है कि भले ही जो वुमेन है वो हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी है भाई देखो दो ही मेजर जेंडर है ना डेफिनेटली एल जीबीट की कम्युनिटी भी है नॉट डिस रिगार्डिंग एनीथिंग बट मेजर रिलीजन क्या हो गया एक मेल हो गया एक फीमेल हो गया ऑलमोस्ट फिफ्टी फिफ्टी परसेंट रेश दोनों का है ना पूरी दुनिया में सात बिलियन में से साढ़े मतलब सात सौ या आठ सौ करोड़ लोगों में से चार सौ करोड़ होंगे चार सौ कर है ना मतलब ओवरऑल तो यही रिलीजन है सॉरी ओवरऑल तो जेंडर है पर इसमें भी जो इनका यानी कि फीमेल का जो रोल है वो बहुत कम है स्पेशली पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ही रोल है, तो ऐसा गलत बात है वोटिंग का अधिकार ठीक है धीरे धीरे जेंडर इशू जब होगा धीरे धीरे बढ़ने लगा जैसे फेमिनिस्ट मूमेंट है तुमको पता ही आप का को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हो ठीक है तो वो चीज है तो इन सारी चीजों से धीरे धीरे करके एजुकेशन की डिमांड ठीक है फिर वोटिंग राइट्स की डिमांड इन सब से जो लोगों ने एजिटेशन किया अलग -अलग, वो लड़े, था ठीक है अब देखो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर ये एक है जो तुमको के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट बाकी का मतलब क्या है कि एक झुंड को किसी एक तरफ सरका देना समझ में आ रही है है मोबाइल मोबाइल मतलब क्या होता है कि तुम उसको कहीं भी लेके जा सकते हो मोबाइल मतलब तुमने जेब में रखा कहीं भी लेके जा सकते हो तो मोबिलाइजेशन मतलब क्या होता है का मतलब यही होता तो है कि तुमने सारे एक टाइप के लोगों को इकट्ठा कर लिया किसी भी एक कॉज के लिए या किसी भी एक भावना के लिए और उन सबको बोल दिया कि तुम मेरी साइड आ जाओ जैसे मान लो कि मैं अपने स्कूल में खड़ा हो जाऊं कि भैया हमको तो दिवाली की दिन की छुट्टी चाहिए तुम तीन दिन की मुझे तो छह दिन की छुट्टी चाहिए अब मैंने बात सब लोगों के अंदर बैठा दी कि सब छह दिन की छुट्टी मांगो तो मैंने क्या किया मैंने सबको मोबिलाइज कर दिया और सबको मेरे साथ में खड़ा कर लिया अपनी साइड में उसको बोलते मोबिलाइजेशन बात समझ ठीक है चलो आज हम को देखने को मिलता है कि साइंटिस्ट डॉक्टर इंजीनियर सब जगह पे वुमेन जो है वो अपना काम करके जहां पर पहले लोगों को लगता था कि काम नहीं कर सकते हैं कई सारी जगह पर जैसे स्वीडन नॉर्वे यहां पर पार्टिसिपेशन जो है वुमेन का पब्लिक लाइफ में बहुत ज्यादा मतलब मेल से भी ज्यादा है ठीक है पर इंडिया के अंदर अगर तुम देखो तो आज भी एक पेट्रीआरिकल सोसाइटी ही हम फॉलो करते हैं मतलब मेजरली हमारे यहां पर यही है कि भाई हम एक पेट्रियर्कियल सोसायटी को बिलोंग करते हैं और हमारे यहां पर मेल डोमिनेंस ज्यादा रहा है हमेशा से जो कि धीरे धीरे कम हो रहा है बट अभी भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है ठीक है चलो अब ये क्वेश्चन हाउ डू वीमेन फेस डिसएडवांटेज डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन ये तो भाई तुम बहुत इजीली लिख सकते हो ठीक है सभी जो तुम आसपास देखते हो है ना कैसे डिस्क्रिमिनेशन का ऑपरेशन होता है तो तुमको पता ही है ठीक है चलो तो ये चीजें तुम जो इजीली लिख सकते हो वही सारी चीजें देखे एक तो भाई लिटरेसी रेट वीमेन का बहुत कम है वीमेन का 54% है मेन का 76% है उनको ज्यादा पढ़ा लिखा रहे ठीक है

वो बोलते कि ये पढ़ लिख के क्या करेगी इसकी तो वैसे भी शादी करनी है है ना तो इसको पढ़ा लिखा के क्या मतलब इसलिए हम लड़के को पढ़ाते जो कि बहुत गलत बात है पर ये है तो है ठीक है ये ये देखो भाई 2001 का है 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 तुम्हारा सेक्स सेक्स रेशियो रेशियो बता रहा है। सेक्स मतलब क्या होता कि कितनी फीमेल्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ मतलब uh, पर थाउजेंड मेल्स कितनी फीमेल्स है ठीक है तो बिलो एट ये इन रीजन पे आठ से भी कम का सेक्स रेशियो है मतलब यहां पर अगर हजार मेल्स हैं तो उसके अगेन सिर्फ आठ फीमेल्स हैं जो कि बहुत ही गंदा सेक्स रेशियो है ठीक है तो ये चीज हम देख रहे हैं ठीक है, ना, सेक्स बड़ा है। चलो हैरेसमेंट एक्सप्लोरेशन वायलेंस देखते रहते हैं रेगुलर जिंदगी में अर्बन सारी जगह अच्छा, एक तुमको एक स्टोरी बता दू जो खैर स्टोरी तुमको सुननी ना बीजेजी इधर उधर की बातें लगता है ठीक है ये ना बड़ी मेरे दिल की क्लोज है मैं कुछ टाइम पहले सिंगापुर गया था ठीक है तुमने अगर मेरा फोटो दिखाओ बस्सी के साथ में इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम कहां पे एट द रेट कॉन्ट प्रमोट नहीं कर रहा बस बता रहा हूं ठीक है ठीक है तो मैं सिंगापुर गया था तो वहां पर मैं किसी कैब वाले कैब ड्राइवर से ऐसे डिस्कशन कर रहा था तो उस कैब वाले ने मुझे बोला कि सिंगापुर इज वेरी सेफ फॉर गर्ल्स एंड ऑल वो सब कुछ तो मैंने बोला हाँ मतलब इंडिया इंडिया इज ऑल्सो सेफ पर फिर मुझे ना पता है उससे सुन के इतना बुरा लगा उसने खुद ने ऐसा बोला कि इंडिया इज अनसेफ फॉर वुमेन राइट मतलब गर्ल्स कैन नॉट रोम आउटसाइड फ्रीली इन द नाइट टाइम इन इंडिया, इंडिया, इंडिया इंडिय वो पता है अपने जनरली पता है, एक चीज एक चीज क्या होती है एक चीज होती है कि कि मान मान लो लो मेरा वेट ज्यादा है है ना तो मुझे कोई और बोल देना तो मुझे बुरा लग जाएगा पर मेरा अगर कोई दोस्त बोले तो मुझे मतलब मतलब समझ रहे हो क्या? का मतलब क्या है कि हम इंडिया के इंडिया में ऐसी बात कर ले मैं तुमको बोल दूं कि भाई इंडिया अनसेफ है लड़कियों के लिए या इंडिया के अंदर बहुत सारी जगह ऐसी जहां पर रात को लड़कियां नहीं घूम सकती क्योंकि वो अनसेफ जगह है ठीक है अगर मैं तुम ऐसा बोल दू तो तुम्हें पता है पर तुम सोचो जब कोई बाहर का फॉरनर हमको बोलता है ना तब बुरा लग जाता है

है ना तुम अपने घर के अंदर बोल दो कि पापा ये पेंट अच्छा नहीं लग रहा है ना या फिर ये टेबल अच्छी नहीं लग रही पर कोई बाहर का व्यक्ति बोल दे ना कि ये क्या घटिया पेंट करा रखा है आपने तो कितना बुरा लगता है वैसे मुझे बहुत बुरा लगा और फिर मैंने उसको समझाई भी बात कि भैया ऐसा नहीं है ठीक है इंडिया के अंदर बहुत सारी जगह हैं जो कि अब बहुत ज्यादा सेफ हो गई हैं बहुत ज्यादा सेफ हो रही हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पर फिर भी कह रहा है कहानी थी थोड़ा सा दिल को बुरा लगा तो मैंने सोचा तुम्हारे साथ शेयर कर बट ठीक है वापस आते हैं कहानी के ऊपर जो हम पढ़ रहे हैं ठीक है चलो अच्छा चलो ये तो हम घर के बाहर की बात कर रहे हैं इंडिया के अंदर बहुत सारी लड़के घर के अंदर भी सेफ नहीं है बीटिंग हेरसमेंट डोमेस्टिक वायलेंस ये सारी चीजों का सामना करना पड़ता है जो कि बहुत ज्यादा गलत है मैं आप सभी से चाहे तुम लड़का हो या लड़की हो देखो ये चैप्टर जो है ये ये चैप्टर है कि भाई सोशल साइंस में पढ़ लिया निकल गया पर एक चीज हम सबको इतनी बेसिक पता होनी चाहिए कि इन चैप्टर से जो जो भी हम सीख सकते हैं वो हमको सीखना चाहिए जैसे कि अगर तुम ये चैप्टर पढ़ रहे हो और इसके बाद में तुम्हें कभी भी ऐसी कोई चीज एनकाउंटर करने को मिलती है जैसे कि ये फॉर ऑल द गर्ल्स आउट देर ठीक है देखो वैसे तो मुझे मैं ना जनरली इन चीजों में संकोच नहीं करता हूं बोलने से मैं बिल्कुल फ्रीली बोल देता हूं ठीक है और ये चैप्टर तो हम पढ़ते रहेंगे सारी चीजें होती रहेंगे तुम्हारे एक दो नंबर ऊपर नीचे हो जाएंगे तो भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ जाएगा चैप्टर में से पर एक चीज तुम्हें एज ह्यूम पता होनी चाहिए कि प्लीज रेज योर ठीक है अभी भी जो इस वीडियो को देख रही है लड़कियां योर एज इज फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन या चौदह से सोलह साल की एज होगी एंड आई नो की मोस्ट ऑफ यू इफ नॉट ऑल माइट समय लड़के देख रहे ना उनको नहीं पता होगी जब मैं भी टेंथ में था, में था, में था तो मुझे नहीं पता थी कि मेरे साथ में बैठने वाली जो लड़की है या जो मेरी कोई फ्रेंड है उसके साथ में भी किसी ना किसी फॉर्म में कोई ना कोई हेरेसमेंट हुआ है चाहे वो सिर्फ बातों का वर्बल हेरेसमेंट हो चाहे वो कुछ उल्टा सीधा बोल देना हो चाहे वो किसी भी टाइप का हेरेसमेंट हो वो हुआ है और वो चीज अभी जब मैं रिकॉल करता हूँ मुझे इतना बुरा लगता है कि मुझे उस मर में चीज क्यों पता नहीं थी तो आई नो कि आपके साथ में भी बहुत सारे कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए होंगे या अगर नहीं हो तो भगवान ना करे कभी ऐसा हो बट हो सकता है कि हुए हो पर आप लोगों से मेरी बस एक रिक्वेस्ट है टू ऑल द ऑल माई फ्रेंड्स ऑल माई यंगर सिस्टर्स जैसा भी आप मुझे ट्रीट करते हो मेरी तरफ से एक बहुत सिंपल आपके लिए रिक्वेस्ट है कि मेरा पोर्टल हमेशा आपके लिए ओपन है अगर आपके साथ में कभी भी ऐसा कुछ होता है एंड यू वॉन्ट टू स्पीक अपॉन इट आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करो अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पाता ऑनिस्टली तो बता रहा हूँ आप सीरियस बात में बात करता हूँ अगर मैं डीएम्स नहीं चेक पर कर पाता हूँ बहुत सारे हजारों मैसेज होते हैं आप मुझे मेल कर दो ठीक है मेरी मेल आई डी भी मेरे पे मिल जाएगी आप मुझे मेल कर दो अगर ऐसा कोई भी इंसिडेंट हो आपकी जो भी हेल्प हो सकती है आई एम अप फॉर यू दिस इज माई कमिटमेंट टू यू ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड ये स्ट्रीम में ये पार्ट कभी भी नहीं हटेगा दिस इज माई कमिटमेंट टू ऑल द गर्ल्स जो भी इस स्ट्रीम को देख रही हैं अगर ऐसा कभी भी कुछ होता है और ये बोलते हैं हैं मुझे भी आ रहे बट आई एम ऑलवेज देयर ठीक है अगर आपको किसी और से बोलने में अनकंफर्टेबल लगता है आप मुझे बता सकते हो अगर मुझसे भी अनकंफर्टेबल हो तो अपने किसी दोस्त को बता सकते प्लीज लेट इट आउट प्लीज ऐसा मत करना कि आप आवाज ना उठाओ आज जब मुझे पता चलता है ना कि अगर मेरी किसी भी फ्रेंड के साथ में ऐसा होता है और वो आवाज नहीं उठाए कभी तो मैं उसे उसे समझाऊं उसे डांटूं कि दिस इज रॉन्ग यू शुड रेज योर वॉइस अगर कहीं ऐसी जगह होते हैं जहां पर आप वॉइस नहीं कई बार ऐसा भी होता है कि हम पेरेंट्स को नहीं बता देखो ऑनेस्टली बात है मैं यार लाइव व्यूइंग हो सकता है ड्रॉप हो रही हो बट ये बात में ना मुझे फर्क नहीं पड़ रहा कि सारे बच्चे चले भी जाए यहां से अभी पर, मैं पांच मिनट अगर कुछ इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मेरी स्ट्रीम अगर दस मिनट लंबी चले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि टॉपिक निकला है तो मैं उसका एक फायदा उठाना चाहता हूं तुम सबको बोलने के लिए कई बार ऐसा होता है कि हम अपने पेरेंट्स को शेयर नहीं कर पाते स्पेशली लड़कियों के पार्ट पे बोलना बहुत आसान है सबके लिए है ना मैं भी बोल रहा हूं कि बोलो कंप्लेन करो आवाज उठाओ पर कई बार वो चीज इतनी आसान नहीं होती जितनी दिखती है और वो बात मैं समझ सकता हूं ठीक है तो ऐसे में प्लीज कोशिश ये करना की कहीं तो आवाज उठाओ मैं नहीं कह रहा कि जाके मम्मी पापा को बता दो कई सारे पेरेंट्स इतने ओपन माइंडेड नहीं होते ठीक है कई बार लड़कों को ये भी डर लगता है कि अगर हम अपने पेरेंट्स को ये बता देंगे तो हमारा आना जाना बंद कर देंगे हमें ये ये होती है बात ये honest, बात बिल्कुल ऑनेस्ट है और मैं समझता हूँ इंडिया के अंदर बहुत सारे टाइप के लोग हैं बहुत सारे टाइप के पेरेंट्स हैं ठीक है तो बस ये है मेरा कहना कि कहीं एटलीस्ट अपने किसी दोस्त या किसी के नोटिस में डालो और किसी भी टाइप के हेरेसमेंट को अपने दिमाग पे इतना भारी मत होने देना कि आप आप खुद अपनी लाइफ में डिप्रेस हो नेवर लेट दिस हैपन मैं बहुत पता नहीं मैं रो दूंगा थोड़ा सा देर देर और बोलता तो जल्दी खत्म करता हूं बट प्लीज आई रिस्पेक्ट यू ऑल आई लव यू ऑल मेरा मेरी मेल आईडी इज ऑलवेज ओपन फॉर यू कभी ऐसा हुआ हो पहले कभी किसी के ऊपर भड़ास निकालनी हो या कभी किसी भी तरीके से कुछ हेल्प चाहिए हो जहां पर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके राइट्स एक्सप्लॉइट हो रहे हैं तो प्लीज मैं मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं डेफिनेटली करूंगा और आ, आ, कई बार मैं सारे मेल्स का रिप्लाई नहीं करता जैसे तो तुम्हारा कोई मेल आता कि है कि भैया इसके नोट्स अपलोड कर दो तो वो मैं टीम को बोल देता हूँ रिप्लाई बढ़ी ना करूंगा पर पढ़ लेता हूँ पर अगर ऐसा कोई भी मेल होता है जो सीरियस कंसर्न का होता है मैं कोशिश करूंगा ठीक है मैं कमेंट तो नहीं कर सकता कि मैं सारे मेल्स का रिप्लाई कर पाऊँ देख भी पाऊँ बहुत सारे मेल्स होते हैं पर एटलीस्ट ये समझो कि ऐसा वर्चुअली सही कि मैं खड़ा हूँ तुम्हारे लिए ठीक है और अपने सारे फ्रेंड्स सबको इस बात के कॉन्फिडेंस में जरूर रखना ठीक है कुछ भी ऐसा हो प्लीज अपनी आवाज कमजोर मत करना रेज योर वॉइस दिस इज योर राइट फर्क नहीं पड़ता कोई क्या सोचेगा और किसी के कुछ सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता है ठीक है अगर आपको किसी और ने हैरेस किया है किसी भी फॉर्म में तो वो जलील है वो घटिया आदमी है ठीक है वो वो उसको जितनी गाली दी जाए उतनी कम है आपकी कोई गलती नहीं है

ज़्यादा इमोशनल बातें हो गई पर ठीक है चलो कोई देख भी नहीं देख देख सेशन को I, I hope so, देख रही होंगी ठीक है चलो anyway, अगर तुम लड़के भी हो तो प्लीज अपनी क्लासमेट्स के साथ में ऐसे कॉन्वर्ट देखो यार क्या होता है ना हमारे यहाँ पे ना बहुत सारी चीजें टैबू हैं, जिनको मैं नहीं मानता मैं अलग से इनके ऊपर बहुत चर्चा करूंगा कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक जिनको टैबू माना जाता है जिनके ऊपर चर्चा नहीं होती है वो चीज़ें मैं नहीं चाहता हूं हम बिल्कुल ओपन माइंडेड हैं हम इतने समझदार हैं तो हम अपने ग्रुप में से चर्चा भी करें मैं बहुत प्राउड फील करता हूं इस बात में कि मेरा ऐसा सर्कल है जिसमें लड़के भी हैं लड़कियां भी है और हम हर चीज़ के ऊपर ओपनली डिस्कस कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम हो कुछ भी ऐसी चीज़ हो तो उसके ऊपर डिस्कस किया जा सकता है तो मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ चाहे आप एक लड़का हो चाहे आप एक लड़की हो प्लीज़ अपने ग्रुप के अंदर अगर कोई और लड़का है लड़की हो तो थोड़ी ओपनली शेयरिंग रखो इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है इससे फ्रेंडशिप स्ट्रांग होती है और मैं बहुत ज़्यादा प्रमोट भी करता हूँ मैं हमारे स्कूल में ना लड़कों लड़कियों की फ्रेंडशिप को ऐसा दूर कर देता था ठीक है तो वो मैं कभी नहीं करता हूं ठीक है इनफैक्ट मैं तो प्रमोट करता हूं जितने ज्यादा आ, क्या बोल सकते को एड फ्रेंडशिप हो <laughs> जो भी वर्ड हो इसके लिए उतना ज्यादा अच्छा खैर, कमिंग बैक द पॉइंट ठीक है चलो

हो सकता है लोगों को लगता है कि यार वुमेन रिप्रेजेंटेटिव जो भी है या वुमेन रिप्रेजेंट जो भी है ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को संभालने के लिए सही नहीं हो तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती है खैर एनिचवेज इंडिया के अंदर जो प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन है वो बहुत ज्यादा कम है ठीक है मतलब लेजिस्लेचर के अंदर बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना ठीक है चलो यार ये जो मैंने बातें बोली ना ये गोल्स ऑल्सो है ना मतलब ऐसा नहीं है कभी भी कि लड़कों के साथ हेरेसमेंट नहीं हो सकता वो भी हो सकता है और वो होता भी है तो ये इक्वल बातें थी वो तो बस जेंडर की बात चली थी इसलिए मैंने लड़कियों के लिए बात बोली बट सेम गोल्स फॉर बॉयज एज वेल बॉयज लड़कों के साथ में भी हेरेसमेंट हो सकता है तो ऐसा मत समझना कि आ, सिर्फ सिर्फ लड़कों के साथ कभी कुछ गलत नहीं होता है कभी हेरेसमेंट नहीं होता है किसी भी फॉर्म में हो सकता है बट डेफिनेटली हो सकता है ठीक है तो वो भी गलत है ना लड़कों के साथ ना लड़कियों के, के साथ में साथ तो कभी भी नहीं होना चाहिए बुलिंग कभी भी नहीं होना चाहिए बट ये अगर होता है तो आई एम मेरा पोर्टल में जो सबके लोपन है ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियों के लिए लड़कों के लिए भी है ऐसी कोई वो डिस्क्रिमिनेशन अब मैं ही डिस्क्रिमिनेशन कर दूंगा तो फिर तुमको क्या सिखाऊंगा ना ठीक है चलो खेद कमिंग बैक टू पॉइंट चलो जी uh... ठीक है जैसे इंडिया के अंदर आज तक लोकसभा में कभी भी दस परसेंट तक भी नहीं पहुंचा तो 543 सीट्स जो पहुंचानेट है ना कभी भी ऐसा मतलब शायद ही कभी हो गए हो सकता है लेटेस्ट तुम्हारे से बुक का बुका उसके हिसाब से टेन परसेंट भी नहीं पहुंचा है मतलब में से कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि चौपन से ज्यादा सीट वन की हो तो वो चीज नहीं हुई तो कितना गलत बात है हमारी कॉन्टीट्यूंसी के अंदर पर स्टेट असेंबली के अंदर तो इनका पांच परसेंट से भी कम का है तो हम जो बोलते हैं ना वुमन एम्पॉर्मेंट एम्पॉर्मेंट ये सब करते तो बहुत है

रिप्रेजेंटेशन विमेन का होता है मिनिमम है ना मान लो किसी पंचायती राज के अंदर नौ सीट्स हैं तो उसमें से मिनिमम तीन सीट्स वुमेन की होगी होगी अगर नहीं होती है तो ये काम नहीं कर सकते मिनिमम तीन सीट्स चाहिए चाहिए तो ये पंचायती राज में आया है ठीक है लोकल गवर्नमेंट के अंदर वन थर्ड कंपलसरी है तो यही कंपलसरी चीज हमको सेंट्रल लेवल पे भी कर देनी चाहिए ठीक है बहुत सारे फेमिनिस्ट मूवमेंट आए बहुत सारे ऐसे रिप्र... बहुत सारे लोग ऐसे आए जिन्होंने बोला कि यार ये सेम चीज को हमको लोकसभा या स्टेट असेंबली में भी कर देना चाहिए पर ये आज तक पूरी तरीके से फुलफिल नहीं हो पाया ठीक है बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट असेंबली में भी ये चीज आ जाए कि भाई लोकसभा विधानसभा में जो लोग बैठे हैं उसमें से मिनिमम सीट की हो पर वो चीज अभी तक नहीं हो पाई पर लोकल गवर्नमेंट में चीज सक्सेसफुल हो गई ठीक है अब आते रिलीजन के ऊपर धर्म के ऊपर ठीक है एक बात समझ में आ गई जेंटल पार्ट कंप्लीट कर लिया है अब रिलीजन के ऊपर आते हैं ये तुम अपने न्यूज वगैरह में देखते रहते हो ठीक है रिलीजियस मतलब तुमको डिफरेंसेशन है कि अलग अलग रिलीजन है इंडिया के अंदर ठीक है और उन रिलीजियस डिफरेंसेस में भी बहुत सारे पॉलिटिक्स चलता है ठीक है बहुत सारे पॉलिटिशियंस तुमको धर्म के नाम पे भड़काते भी हैं बहुत सारे पॉलिटिशियंस धर्म के अंदर के लोगों को किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का वोट देने का भी बोलते हैं तो ये सारी चीज तुम देखते रहते हो रेगुलरली तो ये तुम्हारे लिए समझना बड़ा आसान है ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल गांधी जी ने बोला कि रिलीजन को हम कभी पॉलिटिक्स से सेपरेट नहीं कर सकते गांधी जी का ऐसा मानना था कि हम कभी भी रिलीजन को पॉलिटिक्स से सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि बहुत इंटीग्रल पार्ट है इसका मतलब क्या है कि जो पॉलिटिक्स है या जो देश की सरकार है वो रिलीजियस पे चलनी चाहिए मतलब जो हमारी भगवत गीता में कुरान में गुरु ग्रंथ साहिब में बाइबल में जो चीजें लिखी हुई हैं उसके एथिक्स पे सरकार या या गवर्नमेंट देश चलना चाहिए ये उनका मतलब था ठीक तो है तो यह एक स्टेटमेंट दे ठीक है चलो पर इंडिया के अंदर अगर तुम देखो ह्यूमन राइट्स राइट किसी भी कंट्री के अंदर तुम देखो कि कम्युनल राइट है ना मतलब धर्म के बीच में लड़ना है ना दंगे ये सब तो होते ही रहते हैं इंडिया के अंदर भी होते हैं हालांकि जितने मतलब इंडिया के अंदर फिर भी चीजें काफी हद

अब फॉर एग्जांपल जैसे कि कई सारी लॉज ऐसे भी है लोग कई सारे लोग बोलते हैं कि रिलीजियस माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए अब एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि वुमेन्स मूवमेंट ने मतलब बहुत सारी जो वुमेन मूवमेंट हुई है उसमें ऐसा फैमिली लॉज आए मतलब बेसिकली बहुत सारी वुमेन का यह कहना था बहुत सारी फीमेल्स का यह कहना था कि किसी भी धर्म के हो हमारे ऊपर तो प्रताड़ित करते ही है हम तो हमेशा ही नीचे रहे हैं तो ये देखो तुम कितनी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम रिलीजियस की रिलीजियस बेसिस पे तो कर लेते कि ये रिलीजन अच्छा होगा ये अच्छा होगा पर हम ये तो देखने की औरतों को देखो सारी रिलीजन की औरतें देखो कितनी परेशानी में जी रही हैं फर्क नहीं पड़ता कि ये रिलीजन है वो religion, वो रिलीजन रिलीजन सब जगह पे विमेन के साथ में किसी ना किसी रूप से सप्रेशन ऑपरेशन तो है ही सही ठीक है चलो तो इन्होंने ऐसे ही डिमांड किया कई बार कि कुछ ऐसे लॉज बनने चाहिए जो कि धर्म से परे हो और वुमेन रिप्रेजेंटेशन के लिए विमेन एम्पॉर्मेंट के लिए ठीक है चलो रिलीजन हाँ, और पॉलिटिक्स के बीच का रिलेशनशिप देखेंगे हम ठीक है देखो आइडियाज आइडियल्स और वैल्यूज ये तीनों ऐसी चीजें हैं जो कि अलग अलग रिलीजन से लेके हमें पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व करनी चाहिए एग्रीड है ना मतलब किसी एक पर्टिकुलर रीजन की दो तीन बातें अच्छी हैं किसी एक की दो तीन बातें अच्छी हैं किसी एक की दो तीन बातें अच्छी हैं तो इन दो तीन दो तीन बातों को मिला के चार पांच बातें या नौ दस बातें हमारे पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व होनी चाहिए

चलो कम्युनलिज्म भाई चैट के अंदर हाना कर दो यार तुम लोग देख रहे हो ना सब लोग चलो जी कम्युनलिज्म की बात करते हैं अब कम्युनलिज्म बेसिकली क्या होता है कम्युनलिज्म ये पूरा का पूरा ये तुमको दे रखा है कम्युनलिज्म का मतलब ये है कि जब भी कोई मतलब हम दो रिलीजन को आपस में भड़काते हैं या लड़ाई करवाते हैं या इस रिलीजन के लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरा रिलीजन सबसे बेस्ट है और दूसरा कोई रिलीजन नहीं होना चाहिए और इस रिलीजन के लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरा रिलीजन सबसे बेस्ट है और दूसरा कोई रिलीजन नहीं होना चाहिए सिर्फ मेरा ही रिलीजन प्रिवेल करना चाहिए मेरा रिलीजन पावरफुल रहना चाहिए उस सिचुएशन को हम बोलते हैं कम्युनलिज्म जहां पर हम कम्युनिटीज में डिवाइड कर देते हैं लोगों ठीक है चलो ये वही चीजें दे रखी है ठीक है कि इसका मतलब यह है कि लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि मेरा रिलीजन किसी और के सुपीरियर है किसी और के सुप्रीम है ठीक है या मेरे रिलीजन का डोमिनेशन होना चाहिए किसी दूसरे ग्रुप के ऊपर ठीक है तो इसको बोलते हैं अगर जब भी हम रिलीजन को इस हिसाब से जब भी हम रिलीजन को पॉलिटिक्स में यूज करते तो हैं हैं उसको बोलते पॉलिटिक्स फॉर मान लो कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो बोल रही है कि भाई ये वाले रिलीजन के लोग सब साथ में आ जाओ क्योंकि हमको इनसे खतरा है या रिलीजन के लोगों को हटा दो सिर्फ हम ही रहेंगे तो ये जो पार्टी है ये कम्युनल पॉलिटिक्स अपना रही है मतलब ये कम्युनिटी कम्युनल बेसिस पे अपने वोट्स को बढ़ाने की कोशिश कर रही है ठीक है चलो आ, अब communal involved, involved तो अगर कम्युनलिज्म की क्या क्या थिंकिंग है क्या क्या आइडियोलॉजीज है ठीक तो है सिंपल सी बात है कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन जो है आ,

वो रिलेलेवेंट और ट्रिवियल टू कम्युनिटी लाइफ ठीक है एनी डिफरेंस दैट दे मे और ट्रिवियल फॉर कम्युनिटी लाइफ जैसे फॉर एग्जांपल ए रिलीजन के ही कुछ लोगों को लग रहा है कि भैया एजुकेशन के ऊपर बात नहीं हो रही है भैया इसके ऊपर बात नहीं हो रही है तो वो सब बातों को हटा दो जाओ ठीक है एजुकेशन एजुकेशन फालतू बातें मत करो सिर्फ रिलीजन की बातें होंगी यहाँ पर ठीक है सिर्फ हमारे धर्म के एजुकेशन है कि नहीं है सड़कें बन रही कि नहीं को पड़ता ठीक है चलो पीपल हु फॉलो डिफरेंट रिलीजन कैन नॉट बिलोंग टू द सेम सोशल कम्युनिटी तो कम्युनलिज्म जो मेंटालिटी है इसका मतलब ये है हम ये समझ रहे कोई आ, वो ये कोई सच बात है नहीं है कुछ ऐसा नहीं है कि भाई ये, ये किसी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है ये बस हम बता रहे कि, कि कम्युनलिज्म जो आइडियोलॉजी है वो उसका क्या मानना है ठीक है चलो अब एक्सट्रीम फॉर्म क्या है एक्सट्रीम फॉर्म ये है कि भाई आ, अलग अलग रिलीजन के लोग जो हैं वो इक्वल सिटीजन की तरह नहीं रह सकते है ना मतलब एक रिलीजन जो सुपीरियर है और इक्वालिटी इक्वालिटी कुछ नहीं होता तो इसको बोलते हैं एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ ठीक है कि भाई एक किसी एक को डोमिनेट करना पड़ेगा या फिर अलग अलग नेशन फॉर्म पड़े तो जनरली क्या होता है जनरली ऐसा होता है कि जो मेजोरिटी मान लो कि एक रिलीजन में और एक माइनॉरिटी में ठीक है इसको बोलता हूं ए और इसको बोलता हूं बी अब ए मेजोरिटी में है तो ए के लोग अगर सारे कम्युनल हो जाए तो ये क्या सोचेंगे कि भाई हम एक ऐसी गवर्नमेंट बनाएंगे ऐसा देश बनाएंगे जिसके अंदर ए को सारे सब कुछ मिले जैसे श्रीलंका के अंदर हुआ किसी और मतलब बी रिलीजन वालों को हम ना तो गवर्नमेंट जॉब देंगे ना कुछ देंगे तो ये ए पावरफुल हो जाए है ना तो अगर ए के लोग कम्यूनल होते तो ये सोचेंगे अगर बी वाले लोग कम्युनल होते हैं तो वो क्या सोचेंगे उनको पता है कि भाई हम गवर्नमेंट तो बना नहीं सकते क्योंकि मेजोरिटी तो इनकी है मतलब कभी भी हम वोट में तो जीत नहीं सकते तो हम एक अलग देश बना ले अपना ठीक है तो इस टाइप से कम्युनिज्म की थिंकिंग चलती है कि जो बड़ा देश है वो मेजोरिटी माने कोशिश करता है और जो छोटा देश है वो डिफरेंट नेशन फॉर्म करने की कोशिश करता है तो सोचता है कि मैं अलग ही नेशन फॉर्म कर लू ठीक है चलो आ, अच्छा अब देखो क्या ये जो ये जो ये जो बिलीफ है ना ये फंडामेंटली फ्लॉड है मतलब कि ये गलत है ये जो बिलीफ जो तुमको अभी तक मैंने बताया ना बिल्कुल गलत है क्यों गलत है क्योंकि किसी भी रिलीजन के अंदर, अगर मान लो कि की की इंटरेस्ट ए ए जो गरीब आदमी है जो पोर है वो सोचेगा कि उसको रोजगार मिल जाए जो रिच है वो सोचेगा भाई टैक्सेस कम हो जाए है ना तो सबकी इच्छा अलग अलग सबकी डिमांड अलग अलग है पर सब फिर भी बिलोंग करते हैं तो हम कैसे बोल सकते हैं कि सबकी है बिल्कुल सेम नहीं है कि एक ही रिलीजन के अंदर अच्छे लोग भी होते हैं बहुत बुरे लोग भी होते हैं तो क्या वो दोनों बराबर

अगर मैं बोलूं कि ए बोलूंजन के सारे लोग साथ में आ जाओ कम्युनिटी फॉर्म कर लो तो भाई जिन लोग और सिर्फ की करो, तो जिन लोगों को एजुकेशन की बात करनी है सड़कों की बात करनी है इसकी बात करनी है तो ये लोग कैसे पार्टिसिपेट कर पाएंगे बताओ भले ही ए, ए को बिलोंग करते पर क्या वो कम्युनिटी का पार्ट बन पाएंगे कभी नहीं बन पाएंगे ठीक है कम्युनिज्म बहुत अलग अलग फॉर्म में पॉलिटिक्स के अंदर पार्ट ले सकता है सबसे इंपॉर्टेंट क्या है रोजमर्रा के बिल जैसे फॉर एक्साम्पल जो रिलीजियस uh, हो गया रिलीजियस ऐसी गई सुपीरियरिटी कि भाई हर पॉलिटिकल पार्टी बोलती मतलब जो भी पॉलिटिकल पार्टी कम्युनल पॉलिटिक्स में फॉलो करती है कम्युनल पॉलिटिक्स में विश्वास रखती है वो क्या करेगी कि भाई एक रिलीजन के लोगों को अपने साइड लेगी और दूसरे रिलीजन की तरफ भड़काएगी कि हमारा रिलीजन सुपीरियर है वही चीज होगी ठीक है वही चीज uh, है ठीक है चलो अब कम्युनल माइंड ऑफन लीड फॉर अ क्वेस्ट फॉर पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ वंस ओन रिलीजियस कम्युनिटी मतलब मतलब कि इसका क्या मतलब है एक कम्युनल माइंड या एक ऐसा दिमाग जो कि कम्युनल या कम्युनलिज्म को फॉलो करता है उसके आइडियोलॉजी को फॉलो करता है वो हमेशा ये चाहेगा कि उसका रिलीजन पॉलिटिकल पावर में होना चाहिए है ना वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि, कि किसी और रिलीजन का बंदा पॉलिटिकल पावर में हो तो ये एक कम्युनल माइंड है ठीक है चलो

बना के दे दो स्टेट बना के दे दो ठीक है तो ये सेम चीज देखिए कि जो में होता है वो हमेशा चाहेगा कि मेजोरिटी और जो माइनॉरिटी में होता है वो चाहेगा कि भाई हमको एक अलग पॉलिटिकल यूनिट दे दो ठीक है चलो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है देखो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन वही कि भाई आपने पॉलिटिकली मोबिलाइज सब लोगों को इकट्ठा करके अपनी तरफ कर लिया है ना इसको मोबिलाइजेशन बोलते हैं ठीक है थीके? जैसे कि सीरेट सिंबल्स हो गए रिलीजियस लीडर्स इमोशनल अपील है ना या डर बैठा देना लोगों के दिमाग में इमोशनली खेलना जो तुम देखते ही रहते हो गया ठीक है आजकल तुमको सब जगह दिख रहा होगा तो ये सब क्या होता है सब कम्युनलिज्म होता है ठीक है इलेक्ट्रॉनल uh, पॉलिटिक्स के अंदर ये सारी चीजें इमोशन सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कई बार कम्युनलिज्म के अंदर बहुत ज़्यादा अगली फॉर्म बहुत गंदा फॉर्म देखने को मिलता है जैसे वायलेंस रायट्स मैसेकर है ना जो दंगे फसाद होते हैं ये सब चीजें होती रहती है ठीक है चलो आ रही है बात समझ में चलो जी बहुत बढ़िया uh,

डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन तो बिल्कुल ही प्रोहिबिट कर रखा है कि भाई आप किसी भी रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते तो कोई पार्क है तो इस पार्क के अंदर आप किसी ये गवर्नमेंट पार्क है तो इसमें आप एंट्री बैन नहीं कर सकते किसी की ठीक है एट द सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द द स्टेट टू इंटरवीन इन मैटर्स ऑफ रिलीजन ठीक है मान लो कि अगर कहीं पर भी uh, जैसे अनटचेबिलिटी तो अनटचेबिलिटी भले ही एक ऐसी चीज है मतलब अनटचेबिलिटी कैसी चीज है कि कुछ लोग फॉलो करते पर इस केस में स्टेट इंटरफेयर करके अपना रूल बना सकता है कि भाई अनटचेबिलिटी को बैन करो ठीक है तो ये चीजें हो सकती हैं

एक सीए का बेटा सीए बनेगा एक मान लो कि झाड़ू लगाने वाले का बेटा झाड़ू लगाने वाला बनेगा तो ये जो मान्यता है, है ये भी कास्ट इनक्वालिटीज में आती है ठीक है चलो कई सारे मेंबर जो सेम कास्ट ग्रुप का आते हैं वो अपने अपने एक सोशल कम्युनिटी बना लेते हैं जिसमें वो सेम कास्ट में शादी करते हैं मतलब इंटर कास्ट शादियां नहीं होती है ना तुमने सुना होगा बहुत सारी चीजें ठीक है थीके? तो ये अपने अपने ग्रुप्स बना लेते हैं छोटे छोटे ठीक है चलो

Honestly, बात है कि भाई चेंजेस बहुत सारे हैं ना मतलब ये मोबिलिटी अर्बनाइजेशन ग्रोथ इन सब चीजों के कारण क्या होगा जो कास्ट हायर की है कि भाई इस कास्ट का बंदा सिर्फ यही काम करेगा वो चीज बैन हो गया मान लो कि कोई किसी कंपनी का सीईओ है तो आप उससे ये थोड़ी पूछोगे कि, कि आपकी कास्ट क्या है वो सीईओ है उसकी पोजिशन है उतनी वो अपनी मेहनत से पहुंचा वहाँ पे ठीक है चलो पर फिर भी जो कास्ट सिस्टम है पूरी तरीके से डिसपेयर नहीं हुआ है कई सारी बार में हम देखते हैं कि पूरे पुराने जो पुराने जो जो फॉर्म सोच वाले लोग हैं वो भी अपना कास्ट सिस्टम जो है उसको फॉलो करते हैं ठीक है कई सारे लोग अपने ही कास्ट में शादी करने का बोलते हैं और बाहर के कई बार देखते हो तुम कि इंटर का शादी होती है तो भाई उसको तो बहुत ही बड़ा टैबू बना देते हैं मतलब ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए है ना ये चीज तुमको देखने को मिलती रहती है जो कि गलत है ठीक है पर फिर भी चलो आगे बढ़े आ रही बात समझ में अच्छा अच्छा ओमिटेड है है क्या ये ऐसे डिलीटेड कोई नहीं यार मैं तो पूरा बताऊंगा ठीक है। अच्छा, ये जो कुछ चीजें ना जो तुम्हें रीड करने वाली है वो तो तुमको साइड से मिली जाएंगी पर जो बेसिक बेसिक तुमको आइडिया दे रहा हूँ बेसिक आइडिया समझ में आ गया ना कि भाई कास्ट सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से बैन मतलब किया है लोगों ने ट्राई किया है पर पूरी तरीके से नहीं हटा ऐसा जरूरी नहीं कि पूरी तरीके से हट गया ठीक है चलो

कास्ट वाइज भी कितने ज्यादा लोग बिलो पोर्टी है तो ये चीज़ थोड़ी गलत है, है बीपीएल मतलब मतलब के कारण मतलब बिलो पोर्टी लाइन जो लोग हैं उसके अंदर भी मैक्सिमम लोग अगर लोअर कास्ट हैं तो ये हमारे लिए सीरियस प्रॉब्लम है कि अभी भी कुछ कास्ट ऐसे जो कि ज्यादा इवॉल्व नहीं कर पाए तो उनके लिए हमको अगर रखनी चाहिए ठीक है चलो

अब जैसे के अब देखो ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि आ, हमारे एक्सपीरियंस से निकल के आती है ये सब टाइम के साथ में चलती आ रही है। ये सब कई सालों से चलती आ रही चीजें अब जैसे पॉलिटिक्स की बात करूं तो पॉलिटिक्स के अंदर कई सारे फॉर्म ले सकते हैं जैसे कि कैंडिडेट्स हो गए तो कई सारे कैंडिडेट्स हो गए पॉलिटिकल पार्टी हो गए वो हमेशा कोशिश करती है कि कास्ट कॉम्पोजिशन उसको ध्यान में रखें मतलब ताकि हर कास्ट के लोग वोट दें है मान लो मेरी कोई पॉलिटिकल पार्टी है अब उस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर एससी एसटी ओबीसी

वो भी करती है फेवर भी करती है कि इस कास्ट के रिप्रेजेंटेटिव हम ज्यादा फेवर में रखेंगे ठीक है तो ये चीज हम देखते रहते हैं ठीक है चलो <laughs> बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं द फोकस ऑन कास्ट इन पॉलिटिक्स कैन समटाइम्स गिव एन इंप्रेशन दैट इलेक्शन आर ऑल अबाउट

हर कास्ट के लोग आते तो मतलब क्या है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को हर कास्ट के लोगों का दिल जीतना पड़ेगा तभी जाके वो पार्टी पावर में आएगी ठीक है कोई भी पार्टी जो है वो कास्ट और कम्युनिटी देखो फॉर एग्जांपल कई बार जब हम बोलते हैं कि वोट बैंक की कई पार्टी ऐसा इसलिए करती है क्योंकि ये वाली जो मान लो पर्टिकुलर कम्युनिटी पर्टिकुलर कास्ट है ये इसका वोट बैंक है तो वोट बैंक का मतलब ये नहीं कि सारे वोट उसको वहीं से आ रहे हैं मैक्सिमम वोट वहां से आ रहे हैं समझ में आता है पर सारे वोट आ रहे ऐसा जरूरी नहीं है ठीक है कई सारी पॉलिटिकल पार्टी ऐसे भी है जो कि भाई सेम कास्ट के कैंडिडेट्स को भी आगे बढ़ा देती है रूलिंग पार्टीज एम पी एम एल ए ये सब इलेक्शन हार भी जाते हैं देखो मेरी बात सुनो सिंपल सी बात है अगर ऐसा होता कि सिर्फ कास्ट के हिसाब से हमारी पॉलिटिकल पार्टी ग्रो हो रही होती है ना तो फिर तो कोई पॉलिटिकल पार्टी कभी हारती नहीं ना इलेक्शन क्योंकि कास्ट तो वैसे ही है लोग तो उतने तो ही है, है ना पर फिर भी हार जाती है तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ कास्ट एक प्ले, रोल प्ले नहीं कर रही है वो पॉलिटिकल पार्टी काम कैसा कर रही है वो एमपी वो एमएलए काम कैसा कर रहा है उस पर डिपेंड करता है है ना अगर ऐसा होता कि कोई लोगों ने ये किसी आ, कास्ट के बेसिस पे किसी एमएलए को इलेक्ट कर लिया होता अब वो एमएलए कभी हारता ही नहीं तब तो अलग बात होती पर एमएलए हर तुम देखते हो कि एमएलए हर पांच साल में चेंज हो जाता है हार जाता है इलेक्शन है ना तो वो हार क्यों रहा है क्योंकि लोग जो है वो कास्ट से ऊपर दूसरी चीजों के ऊपर वोट दे रहे हैं उसको ठीक है चलो तो क्लियरली हमने देखा कि कास्ट जो है वो मैटर जरूर करती पर बहुत सारे फैक्टर्स है है ना बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं ठीक है थीके? चलो अब पॉलिटिक्स इन कास्ट देखते हैं कि अभी हम देखा, politics, अब हम उसकी कास्ट जो है उसमें ज्यादा लोग आए तो वो क्या करेगी आसपास के जितने भी कास्ट वाले हैं उनको अपने साथ में मर्ज करने की कोशिश करेगी ठीक है बाय ब्रिंगिंग मैनी पॉलिटिकल बायिंग सेम उसमें आने अच्छा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ज नॉट पॉलिटिक्स दैट गेट्स गेट्स कास्ट रन द कास्ट इट इज कास्ट दैट गेट्स पॉलिटिसाइज ठीक है कहने का मतलब क्या है कि भाई फॉर एग्जांपल देखो कहने का मतलब क्या है कि कास्ट एक सेकेंड इट इज नॉट पॉलिटिक्स दैट गेट्स कास्ट रन इट इज कास्ट दैट गेट्स पॉलिटिसाइज ये ध्यान से समझना इसका मतलब क्या है कि एक चीज हो गई कास्ट और एक चीज हो गई पॉलिटिक्स ठीक है तो क्या कह रहे हैं हम कि इट इज नॉट पॉलिटिक्स दैट गेट्स कास्ट रिजन कास्ट रिजन मतलब क्या है कि पॉलिटिक्स जो है ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स जो है वो कास्ट के हिसाब से चल रहा है यानी कि कास्ट जो पॉलिटिक्स पर डोमिनेट कर रही है पर इट इज कास्ट दैट गेट्स पॉलिटिसाइज इसका मतलब कास्ट जो है वो पॉलिटिक्स में ज्यादा जा रही है समझ में आ रही बात मतलब कि ऐसा नहीं कह सकते कि पॉलिटिक्स जो है वो कास्ट रिडन हो गया है, है ना इट इज कास्ट दैट गेट्स पॉलिटिसाइज

ये आंखों के सामने आंसर है ये स्लाइड्स में भी तुमको मिल जाएगा कि भाई हर कास्ट ग्रुप चाहता है कास्ट का ग्रुप का बन जाए मतलब उसका बड़ी हो जाए तो आसपास सारी कास्ट को अपने साथ लाने की कोशिश करता है ठीके? सारे कास्ट ग्रुप जो है वो आते हैं साथ में मिलकर काम करते हैं डायलॉग ये सब करके कास्ट बना लेते बड़ी है ना जैसे बैकवर्ड फॉरवर्ड ये सब कास्ट ग्रुप बनते आते हैं तो ये सब धीरे धीरे ऐसे पॉलिटिसाइज होते हैं दस कास्ट प्ले डिफरेंट पॉलिटिक्स ठीक है बहुत सारे अलग अलग रोल्स प्ले करते हैं ठीक है पर देखो इस चैप्टर के अंदर तुमको लग रहा है कि चैप्टर समझ नहीं आ रहा है तो समझ समझने कुछ ज्यादा कुछ है नहीं वही लॉजिकल चीजें हैं कास्ट जेंडर रिलीजन इन सब के ऊपर पर इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई हमको इसके सवाल करते आने चाहिए तो इसके लिए तुमको जो पीवाई क्यूज मिलेंगे वो पीवाई क्यूज तुम बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करना ठीक है चलो जी आगे बढ़ते हैं ठीक है तो अच्छा कई बार अगर हम किसी कास्ट को एक्सक्लूसिव अटेंशन देते ने है तो हैं है हम है तो, है है, है, तो हमको रिजर्वेशन देने पड़ेंगे पर हम सिर्फ तो भी सही नहीं है, है ना? एक डेमोक्रेसी क्या होती है कि सबको साथ में लेके चलना तो हम इनको डेफिनेटली सपोर्ट करें पर इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरा ध्यान इन पे है ना चल ओके ये डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी नहीं है ना हम क्या इससे क्या होता है हमारे जो मेजर इश्यूज हैं

बिना सेक्युलरिज्म के डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं कर सकती इतनी इंपॉर्टेंट है सेक्युलरिज्म ठीक है चलो बहुत ही बढ़िया और जो है वो किन, किन ही लोगों के नहीं है। ऐसा नहीं कि, कि, in India, ऐसा नहीं कि, कि किन ही लोगों पे खतरा है इस इंडिया की जो आइडियोलॉजी है उसी पे सबसे बड़ा खतरा है ठीक है कम्युनलिज्म ऐसा नहीं कि कि किसी लोगों को फर्क पड़ रहा है किसी लोगों के ऊपर खतरा है लोगों के ऊपर खतरा नहीं है कम्युनिज्म पूरे भारत देश के ऊपर खतरा है ठीक है चलो जी बहुत ही बढ़िया आगे बात समझ में तो ऐसे के साथ में हमने समाप्त कर लिया हमारा दूसरा चैप्टर बचे हमारे दो चैप्टर ठीक है इन दो चैप्टर्स को हम फटाफट कर लेंगे इन दो चैप्टर्स को हम फटाफट समाप्त कर लेते हैं ठीक है चलो एक बार चैट देख लेते हैं कि क्या चल रहा है भैया चैट्स के अंदर क्या चल रहा है भैया जिंदगी में चलो आ रही बात समझ में चलो भाई थोड़ी सी एनर्जी एनर्जी बूस्ट करते ऐसे भी आखिरी के दो चैप्टर बचे हैं इनको तुम फटाफट देख लेंगे क्योंकि ये सारे दोनों जो चैप्टर्स हैं वो कुछ ऐसे नहीं है जिनमें तुमको समझने वाली कोई ज्यादा बातें हैं ठीक है मैं तुमको पूरा करा दूंगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं अच्छा कल जो हम ज्योग्राफी का मैराथन करेंगे वो भी भाई बहुत एनर्जेटिक और बहुत ही फील के साथ में करेंगे ठीक है चलो एक बार मैं चैट्स पढ़ लेता हूँ और बताओ भाई आ, बस बढ़िया हाल है टू अवर्स है ना इसलिए वरना ऐसा नहीं कि हम कंप्लीट नहीं कर पाते अच्छा जोग्राफी के मैराथन की लिंक तो मैं दिख रही है ना इसको जाओ और अभी से लाइक करो जितने भी लोग इसको देख रहे हो अभी की जो मैराथन की लिंक डाल रखी है उसको क्लिक करो उस पर जाओ और उसको लाइक करो अपने आपका नोटिफिकेशन सेट कर लो ताकि तुम कल की तीन बजे पहुंच जाओ वहां पर टाइम से ठीक है बहुत 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 बढ़िया ओके ब्रेक यार ब्रेक लेके अगर हो गया ब्रेक जितने तो मतलब हम चैप्टर समाप्त कर देंगे चलो ओके अरे ब्रेक क्या कर लो ब्रेक क्या करोगे ब्रेक के अंदर मैं मैं चुप मैं चुप नहीं हो रहा तुम क्या करोगे ब्रेक लेके भाई <laughs> चलो तीन चैप्टर समाप्त हो चुके अपने बस दो चैप्टर बचे हैं छोटे छोटे दोनों ठीक है चलो भाई स्टार्ट कर देते हैं यार ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते फटाफट स्टार्ट करते हैं हमारे कौन कौन से चैप्टर हो चुके हैं ये भी हो गया ये भी हो गया अब आता है पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर ठीक है चलो सिंपल चैप्टर है इसके अंदर ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हो तुमको बता दूंगा पॉलिटिकल पार्टी मतलब वही जो तुम देख रहे तो, तो तुम्हारी वाली बात है पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है अच्छा बेसिकली ये क्वेश्चन बन सकता है इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी होता क्या है भैया पॉलिटिकल पार्टी कुछ नहीं है क्या पॉलिटिकल पार्टी कोई आदमी है नहीं पॉलिटिकल पार्टी पोलिकॉटिकल ग्रुप ऑफ पीपल जो कि सेम आइडियोलॉजी फॉलो करते सिंपल सी बात है अरे भाई कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसका मतलब क्या है कि वो ग्रुप ऑफ पीपल है बहुत सारे लोग उस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ठीक है जैसे जो भी इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं गवर्नमेंट ठीक है तो उसका सबसे बेसिक है पॉलिटिकल पार्टी ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन यानी कि जो इलेक्शन में पार्ट लेने के लिए साथ में आते हैं और जो इच्छा रखते हैं कि वो गवर्नमेंट के अंदर पावर होल्ड कर पाए सारी पॉलिटिकल पार्टीज का सपना पूरा होता नहीं है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का हो जाता है ठीक है पर पॉलिटिकल पार्टी का मतलब हो ये होता है एंड इट इज द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन का मतलब सबसे ज्यादा विजिबल चीज क्या होती है ये अगर तुम किसी गांव में जाके किसी भी नॉर्मल या किसी भी किसी भी रैंडम इंसान से पूछो कि देश का प्रेसिडेंट कौन है तो जरूरी नहीं कि उसको पता हो पर अगर तुम पूछो बीजेपी क्या है तो सबको पता है कांग्रेस क्या है सबको पता है तो पॉलिटिकल पार्टी सबसे ज्यादा विजिबल इंस्टीट्यूशन है क्यों क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा मार्केटिंग होती है हर पॉलिटिकल पार्टी वाले अपना धरना लेकर चालू जाते हैं ठीक है जब भी कोई इलेक्शन आ रहा था तो सब लोगों के तुम्हारे सामने आसपास घर के बाहर ऐसे बैंड बाजे बज रहे होते हैं ठीक है तो ये इसलिए यह सब विजिबल इंस्टीट्यूशन डेमोक्रेसी डेमोक्रेसिक अब इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है देखो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो, जो बोलता रहा हूं ध्यान रखना ये एग्जाम पॉइंट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है तो हमसे पूछा जा सकता है कि वोट आर द ऑफ पॉलिटिकल पार्टी कॉम्पोनेंस मतलब क्या होता है कि उसके क्या क्या पार्ट जैसे फॉर एग्जाम्पल को मोबाइल फोन है तो मोबाइल फोन के क्या क्या पार्ट्स हो गए भाई कैमरा हो गया ठीक है स्टोरेज हो गई है ना रैम हो गई फिर बैटरी हो गई ठीक है डिस्प्ले हो गया ये सब उसके कॉम्पोनेंट्स है तो पॉलिटिकल पार्टी के क्या क्या कॉम्पोनेंस है एक तो हो गया लीडर

फंक्शंस क्या है क्या सिंपल तो है, तो है, है कुछ नहीं है तो भाई elections, elections, लेना सबसे इंपॉर्टेंट है ठीक है laws, भाई ऐसे कैसे याद करता चलो प्लीज अभी, के अभी याद कर चलो चैप्टर में समाप्त हो जाएगा डिसाइसिव रोल मतलब कि भाई ये कौन गिरा डिसाइसिव रोल मतलब जो डिसीजन लेने का काम करते हैं है जो भी भाई अगर वो पार में आ गए तो जो भी पार्टी पार में वो क्या करेगी डिसीजन लेने का काम करेगी डिसाइसिव रोल ठीक है पुड फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स प्रोवाइड्स एक्सेस टू गवर्नमेंट स्कीम्स पॉलिसीज़, ठीक है चलो यार प्लीज थोड़ी लाइव व्यूइंग हमारे ड्रॉप हो रही है बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि आ, काफी सारी चीजें उनको पता होंगी जो भी है तो प्लीज मेक श्योर की तुम इस लाइव सेशन को सारे लोगों के साथ में शेयर करो जो लोग देख रहे थे ऑलरेडी उनको वापस लेके आओ तीन हजार लोग लाइव देख रहे हैं तीन हजार लोग अगर, अगर, अगर अपने किसी दोस्त को भी लेके आ गए तो छह हो जाएंगे अगर तुम अपने किसी दोस्त को लेकर दो बार हजार आ जाएंगे ऐसे लेते चौबीस हज़ार जाएंगे ऐसे अड़तालीस हजार बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते ठीक है पर जेन्यून ठीक है शेयर कर सकते हो क्योंकि लास्ट के दो चैप्टर बचे और मैं थोड़ी देर में ट्राई करूंगा आधे आधे घंटे चालीस मिनट में दोनों चैप्टर कंप्लीट कर ले तो हमारे चैटर पूरा सब कुछ ही समाप्त हो जाएगा

मतलब वही लोकसभा के अंदर 543 सीट्स हैं तो 543 फोर्टी हैं मतलब यहां यहां से लोग इलेक्ट होकर आते हैं और पार्लियामेंट में बैठते हैं अब मान लो कि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी है नहीं ये सब लोग अपने अपने हिसाब से लड़ रहे हैं है ना तो ये अपने हिसाब से लड़ रहे हैं अब ये अपने हिसाब से लड़ा तो ये इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है ये सिर्फ अपने इलाके के लिए काम कर रहा होगा कि इसको बाहर किसी से लेना देना नहीं है तो कोई भी यूनिफॉर्म डिसीजन नहीं आ पाएगा मान लो कि मैंने अपने इलाके के अंदर बोल दिया कि भैया पानी जो है वो दिन भर आएगा और मेरे ही घर के पीछे वाली गली के अंदर जो इलाका है वहां पर वहां के बंदे ने या वहां का जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होगा जो वहां पर आ, जो भी उसका लीडर होगा वो बोल देगा कि यहां पर तो पानी सुबह तीन बजे से लेकर पांच बजे तक आएगा तो तुम सोचो कि कितनी सारी चीजें बिल्कुल बिल्कुल भरता हो खिचड़ी बन जाएगी पूरे देश की कोई भी यूनिफॉर्म डिसीजन नहीं हो पाएगा अकाउंटेबिलिटी जो है वो सिर्फ असेंबली की रहेगी भाई मान लो कि मेरे इलाके में कुछ भी दिक्कत आती है है ना तो ये बोल देगा कि भाई मेरा क्या लेने देना तुम देख लो तुम्हारे हिसाब से है ना ये बोल देगा कि मेरा क्या लेना देना ये बोल देगा मतलब बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तक ही रिस्पांसिबिलिटी जो है वो लिमिटेड हो जाएगी अकाउंटेबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी इसका मतलब क्या होगा कि भाई मान लो कि यहां पर कुछ भी हो रहा है तो भाई सारे लोग बोल देंगे कि हमको क्या करना तुम देख लो तुम्हारे हिसाब से तो बेसिकली इंडिया का जो यूनिफॉर्म चीज है वो तो कहीं रहेगी नहीं अभी क्या है कि भाई कुछ भी प्रॉब्लम आते तो हम किसी भी गवर्नमेंट को बोल सकते ना कि भाई ये तुम्हारे कारण हुआ है अभी इस केस में किसको बोलने जाओगे कोई भी अकाउंटेबल नहीं है किसके किस पास जाओगे अपनी अर्जी लेके बात लेके कोई भी नहीं है ना क्योंकि ठीक है तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी कोई भी क, मतलब देश के देश के के ऊपर तो कोई ध्यान देगा ही नहीं सब अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगे होंगे कि भाई मेरा शहर अच्छा मेरा शहर अच्छा मेरा शहर अच्छा देश को कौन आगे बढ़ाएगा कोई भी नहीं बढ़ा सकता ठीक है तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टी बड़ी जरूरी होती है ठीक है अब जैसे इंडिया है तो इंडिया के अंदर कौन से टाइप की डेमोक्रेसी अगर तुमसे पूछा जाए तो इंडिया के अंदर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि भाई ऐसी डेमोक्रेसी जिस सिंपल बात है देखो रिप्रेजेंटेटिव मतलब कि रिप्रेजेंट करने वाली अब इंडिया की पॉपुलेशन इतनी सारी है क्या कितने लोग है? 140 करोड़ तो क्या 140 करोड़ लोग आके मान लो किसी भी चीज पर डिसीजन लेना है कि भाई नोटबंदी करनी है तो क्या तुम ऐसा कर सकते हो कि 140 करोड़ लोगों को एक टाइम पे किसी एक बड़े से मैदान में लाओ और पूछो स्टेज पे कि कौन नोटबंदी हो जाए तो सब लोग जो हाथ उठाएं, वो, वो उनको गिनो क्या तुम 140 करोड़ लोगों को गिन सकते हो बैठ के नहीं गिन सकते तो इसलिए इंडिया किस फॉर्म को आ, मान के चलता है एक्सेप्ट करता है इंडिया के अंदर है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी यानी कि जहां पर आप कुछ लोगों को इलेक्ट करते हो जो कि आपकी तरफ से रिप्रेजेंट करें मान लो कि किसी भी शहर के दो तीन लाख लोग हैं है ना दो से तीन लाख लोग हैं इन्होंने क्या किया इन्होंने किसी एक दो लोगों को इलेक्ट कर लिया कि भैया तो को, इन को, को पार्लियामेंट में रखेंगे इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ठीक है चलो ताकि सभी लोगों के व्यूज हो पाए ठीक है अब बड़ी सोसाइटी को रिप्रेजेंटेशन की जरूरत होती है तो हम वो पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू कर सकते हैं इंडिविजुअल कर सकते बड़ी दिक्कत ठीक है चलो अब हवाइन पॉलिटिकल पार्टी, पार्टी शु भी है। तो तीन टाइप के सिस्टम होते हैं वन पार्टी सिस्टम टू पार्टी सिस्टम मल्टी पार्टी सिस्टम जैसा नाम से समझ में आ रहा है वन पार्टी यहाँ पर एक ही पार्टी होगी टू पार्टी यहाँ पर दो पार्टिया होंगी मल्टी पार्टी पर मल्टीपल पार्टी होंगी जैसे वन पार्टी जैसे चाइना है तो चाइना के अंदर क्या है कि एक ही पार्टी जो है वो बार बार इलेक्शन वही पार्टी करेगी और उसी के अंदर कोई बंदा जीते जैसे चाइना के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी है तो कम्युनिस्ट पार्टी वहां पर कोई और पार्टी नहीं जीतेगी वहां पर उसी पार्टी के अंदर जो भी लीडर आएगा उसी पार्टी के अंदर इलेक्शन होगा है ना मतलब वही पार्टी हमेशा जीतेगी तो टू मेन पार्टी एग्जांपल यूएसए और यूके यहां पर टू पार्टीज है पर दो मेन पार्टी हर बार इलेक्शन लड़ेंगे और एक होता है मल्टी पार्टी जैसे इंडिया है तो इंडिया के अंदर तो इतनी सारी पार्टीज है, है कोलिशन गवर्नमेंट में बन जाती है यहाँ पर कई सारे पार्टी जो पार, कंपीट करती रहती है तो कौन सा बेटर सिस्टम है तुम बोलोगे भैया सिंगल पार्टी बेटर है डबल पार्टी बेटर है या फिर मल्टीपल पार्टी बटर है क्या बेटर है तो देखो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट आंसर नहीं है तुम बोलोगे भैया मल्टी, मल्टी सिस्टम सबसे बेटर है ना यार क्योंकि भाई सबके पास में अलग अलग पार्टीज हैं तो सबके पास में चांस रहता है कोल जीतने का पर वहीं पर बोलो भैया यूएसए तो हमसे ज्यादा डेवलप्ड है यूएसए तो टू पार्टी सिस्टम है तो क्या टू पार्टी सिस्टम बढ़िया हो गया चाइना तो हमसे ज्यादा डेवलप्ड है चाइना में तो वन पार्टी सिस्टम है तो क्या वो सही हो गया तो भाई ऐसे हम ऐसे बकबक करके इसका जवाब नहीं दे सकते ये ऐसी चीज ओवर द पीरियड ऑफ फिफ्टी सिक्सटी हंड्रेड इयर्स हमको पता चलती है कि क्या ये सही है भी या नहीं है ना तो दो चार दिन की बात नहीं है कि तुमको पता चल जाए कई साल लगते हैं कई साल है मतलब सैकड़ों साल लगते हैं समझने के लिए कि क्या बेटर है ठीक है तो हर कंट्री के लिए जहां पे वो सिस्टम चल रहा है वो एक तरीके से बेटर है चाइना के अंदर वो सिस्टम काम कर रहा है यूएसए के अंदर कर रहा है यूके के अंदर कर रहा है तो वो चेंज नहीं कर रहे हैं हमारे अंदर हमारा काम कर रहा है तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है ठीक है चलो अब देखो ये चीज समझ लो कि भाई नेशनल पार्टी क्या होती है तो नेशनल पार्टी वो होती है कि भाई हर पार्टी को इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर करना पड़ता है ठीक है तो सारी पार्टी जो है वो मतलब जो इलेक्शन कमीशन सबको ए... देखो अब सबसे ऊपर होता है ईसी इलेक्शन कमीशन ठीक है इलेक्शन कमीशन पूरे जो इलेक्शन कराता करा है जो इलेक्शन कमीशन हो सारी पार्टीज को इक्वली ट्रीट करता है पर कुछ ऐसी पार्टी जो बड़ी पार्टीज होती है उनको कुछ स्पेशल आ, वो फैसिलिटीज दे देता है ठीक है जैसे उनको सिंबल्स मिल जाते हैं है ना अलग अलग तो बेसिकली अगर आपको किसी भी बड़ी पार्टी में आ, या फिर इस टाइप की पार्टी बनना है तो इन पार्टी को बोलते हैं रिकॉग्नाइज पोलिटिकल पार्टी देखो बहुत सारी पोलिकल पार्टीज आती है पर हमारी क्लास के अंदर ऐसा होता है कि हमारी क्लास के जो दो तीन टॉपर है तो हमारे टीचर्स बोलते ना कि काम करो तुम डाउट पूछने के छुट्टी के बाद भी जाना तो भी चलेगा या घर पर आ जाना पर क्या वो हर बच्चे को ऐसा रूल देती नहीं

उसके 90 मार्क्स आए सौ में से तो इसलिए टीचर ने उसको बुला लिया तो ये क्राइटेरिया है मतलब टीचर ने बोल दिया कि जिसके भी नब्बे मार्क्स आएंगे उनके मैं छुट्टी के बाद भी डाउट सोल्व करूंगी या डाउट सोल्व करूंगा है ना तो आपका क्राइटेरिया क्या होगा कि अगर आपको टीचर से डाउट सोल्व करवाना है तो आपको नाइनटी के ऊपर मार्क्स लाने तो सिमिलरली अगर आपको रेकग्नाइज पोलिटिकल पार्टी कहलाना है तो आपको कौन सा क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा आपको ये क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा ठीक है ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर आ सकता है कि वोट इज द क्राइटेरिया फॉर रिक्नाइज पॉलिटिकल पार्टी दोनों पॉइंट तुमको लिखने पहला पॉइंट और यह दूसरा पॉइंट

अब पीसी तो तो दूसरा, दूसरा क्या है कि या तो लोकसभा के अंदर लोकसभा इलेक्शन में छह परसेंट वोट मेरे हों है ना जो लोकसभा इलेक्शन हुआ है यानी कि जो इतने सारे लोगों ने वोट दिया हजारों लाखों करोड़ों लोगों में उसमें से छह परसेंट जो वोट्स हैं वो मेरी पार्टी को दिए हों या फिर अगर असेंबली इलेक्शंस मतलब मान लो कि किसी स्टेट के इलेक्शंस हैं, तो चार अलग अलग स्टेट्स के असेंबली इलेक्शंस में से छह परसेंट वोट मेरे होने चाहिए तो या तो एक लोकसभा के अंदर छह परसेंट वोट मेरे हों, या फिर चार अलग अलग स्टेट्स में मिनिमम छह परसेंट वोट मेरे हो है ना भाई दो इलेक्शन होते हैं हमेशा एक होते हैं तुम्हारे असेंबली इलेक्शन और एक होता है लोकसभा इलेक्शन तो या तो लोकसभा इलेक्शन से मेरे 6 परसेंट वोट हो जाएं या फिर चार अलग अलग स्टेट्स में जो असेंबली इलेक्शन होता तो है जो असेंबली इलेक्शन मतलब जो हमारे स्टेट के लिए होते हैं ना जो जहां पर हम एमएलए को इलेक्ट करते हैं तो या तो वैसे चार स्टेट्स में मेरे 6 परसेंट वोट हो तो ये तो होना ही चाहिए और इन दोनों में से कोई एक भी हो तो भी चलेगा दोनों हो तो भी चलेगा पर मान लो कि मेरे पास में चार स्टेट्स के अंदर छह परसेंट वोट नहीं है पर मेरे पास में लोकसभा के अंदर छह परसेंट वोट्स हैं और ये भी कंडीशन में सेटिस्फाई कर रहा हूं तो मैं एक पॉलिटिकल पार्टी बन गया हूं या फिर अगर मैं ये फॉलो ये सेटिस्फाई कर रहा हूं और ये ऊपर नहीं नीचे वाला सेटिस्फाई कर रहा हूं तो भी मैं पॉलिटिकल पार्टी बन गया पर ये तो होना ही चाहिए और इन दोनों में से कोई एक ठीक है चलो अब इंडिया के अंदर नेशनल पार्टी ऊपर डिस्कस कर लेते हैं ये तो पूरा पोर्शन है अच्छा इसके लिए मैं तुम्हें एक टिप बता देता इसके लिए बस इतना काम करना कि जो स्लाइड्स मैं तुमको दूंगा उस स्लाइड्स में बस एक पेज बनाना है जिसके अंदर तुम सारी पार्टीज के नाम लिख लो ठीक है जैसे यहां पर लिखो पार्टी नाम पार्टी नेम पर लिखो कि कौन से ईयर में बनी यहां पर लिखो कि इसकी आइडियोलॉजी क्या क्या है यहां पर लिखो कि कौन से ईयर में बढ़ने लगी मतलब ये चार पांच कैटेगरी तुम लिखो ठीक है जैसे यहां पर लिखता है बीजेपी तो बीजेपी के अंदर तो तुमने दो तीन चीज यहां पर लिख दी तो इस एक पन्ने के ऊपर एक पेपर के अंदर तुम्हारा पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा ठीक तो है, है, है तो ये चीज करते हैं ना जैसे इंडिया के अंदर नेशनल पार्टी नेशनल पार्टी इतनी सारी है ठीक है जैसे ए आई तो ये सारी चीजें ये तुम्हें स्लाइड्स के अंदर मेंशन मैं कि भाई कौन कौन से साल में कौन कौन सी पार्टी जो है वो आगे बढ़ी है क्या क्या चलिए ठीक है तो इस अकॉर्डिंग तुम्हें ये सारी स्लाइड्स के अंदर देखने को मिल जाएगा अब ये ऐसी कोई चीज नहीं जो समझने वाली हो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि तुम्हें याद करनी पड़ेगी और उस पेपर के थ्रू जो मैंने तुमको बताया ना कि ऐसा एक पेपर बना लेना जिसके अंदर तुम्हारी सारी पॉलिटिकल पार्टीज आ जाए ऊपर नाम लिख देना पॉलिटिकल पार्टीज तो ये तुम्हारा पूरा जो चैप्टर है वो यहां से कवर हो जाएगा ठीक है तो इस चैप्टर के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं एक तो ये पॉलिटिकल पार्टीज का जो तुम पेपर बनाओगे स्लाइड्स के अंदर स्लाइड्स में टेलीग्राम पर डाल दूंगा तो टेलीग्राम से उठा लेना ठीक है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्या क्या चीजें एक तो ये क्राइटेरिया ठीक है फिर आ, 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 एक ये भी ठीक है ये भी ठीक है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या क्या बता देता हूं ये इंपॉर्टेंट है ठीक है नेसेसिटीज और एक ऑफ पॉलिटिकल ठीक है और ये भी कॉम्पोनेट तो ती, तीन चार चीजें चैप्टर की बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि छोटी छोटी सिंपल सिंपल चीजें ठीक है, है अब यहां से सारी पार्टी के ऊपर चर्चा -चर चालू हो जाएगी ठीक है यही ए बहुजन समाज पार्टी इन सबके क्या क्या वो है कब कब पावर में आई और क्या क्या ईयर है ठीक है तो कुछ समझाने ऐसा कुछ है नहीं इसमें ठीक है चलो फिर स्टेट पार्टीज अब देखो ये सारी नेशनल पार्टीज होगी अब कुछ होते हैं स्टेट पार्टीज इनको हम बोलते हैं रीजनल पार्टी जो कि सिर्फ स्टेट स्टेट में काम करती हैं है ना जो कि सिर्फ पर्टिकुलर स्टेट में एक बड़ी पोजीशन है बाकी इनको नेशनल को नहीं आनता मतलब हो सकता है कि कर्नाटक के अंदर बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हो जिनको हम आ, पंजाब में नहीं जानते या पंजाब के अंदर बहुत सारी ऐसे जिनको हम आसाम में नहीं जानते तो हो तो स्टेट पार्टीज हो गई ठीक है चलो अब अगर लोकसभा के अंदर कोई भी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती तो वो क्या करेगी गवर्नमेंट तो वो गेंटिशन गवर्नमेंट किसके साथ बनाएगी इन छोटी पार्टी बनाएगी ठीक है तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है समय ठीक है अब चैलेंजेस क्या क्या ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ठीक है वॉट आर द चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम में बहुत चांसेस है कि आ जाएगा ये तो क्या क्या भैया सबसे पहले तो लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है है ना पार्टी के अंदर ही लोग इक्वली वोट नहीं दे सकते तो तो ये बड़ी गलत बात है ठीक है डायनेस्टिक सक्सेशन मतलब कि भाई आ, मेरा बेटा ही अगला आ, पार्टी का रूलर बनेगा उसका बेटा ये रूल मतलब डायनेस्टिक सक्सेशन ठीक है नेपोटिज्म चीज हो गई मनी और मसल पावर है ना इलेक्शन के टाइम पे पैसा होता है पावर होती है ना धमका रहता है लोगों को कि हमारी पार्टी को वोट दो तो ये गलत चीज है ठीक है पार्टीज कई बार ढंग की चॉइसेस ऑफर नहीं करती है, है ना वो ऐसे चॉइसेस रखते हैं कि हम वोट ही नहीं दे पाते चाहकर भी ठीक है चलो हाउ कैन पॉलिटिकल पार्टीज भी रिफॉर्म तो ये रिफॉर्मेशन

और दूसरा सजेशन हम ये देते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी को विमेन कैंडिडेट्स के लिए कुछ सीट्स रिजर्व कर लेनी चाहिए तो ये हम दो चीजें देते हैं ठीक है चलो इसी के साथ में हमने चैप्टर समाप्त कर लिया अब हम आया हमारे लास्ट चैप्टर के ऊपर जो कि आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी जो कि अगेन बहुत छोटा चैप्टर है इसके अंदर कुछ सवाल ये वाले बन जाते हैं ठीक है चलो इस चैप्टर की खासियत पता क्या है इस चैप्टर की खासियत है कि इस चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन जो है वो कुछ तो भी बन जाते हैं कई बार ठीक है तो इस चैप्टर के लिए ये आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीवाई पी आज आर, तक तुम्हारे टेलीग्राम अपलोड हो जाएंगे तो पीवाई क्यूज बड़े इंपॉर्टेंट है ठीक ठीक है है तो मेक श्योर सारे एक बार कर लो थीके? चलो चलो जी आते हैं आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर बड़ा सिंपल सा चैप्टर है बेसिकली चैप्टर का नाम का मतलब क्या है बस इतना है कि डेमोक्रेसी के आउटकम्स क्या क्या है क्या क्या रिजल्ट्स डेमोक्रेसी के ठीक है चलो तो डेमोक्रेसी सबसे पहली बात तो क्यों बेटर है वाई इज डेमोक्रेसी बेटर कि भाई इक्वालिटी है सबकी डिग्निटी मेंटेन करता है है ना मतलब मैं अपने आप में कुछ फील कर पाता हूं ना कि नहीं कि मैं, मेरे को कोई कुछ भी करके चले जाएगा है ना तो सबकी इंडिविजुअल डिग्निटी है ठीक है कॉन्फ्लिक्ट करने की जगह देते हैं अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स तो ये सारी चीजें देते हैं डेमोक्रेसी ठीक है अब सबसे बेसिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या है जो तुम्हें याद रखना है भाई ये तीनों वर्ड्स याद रख लो मतलब चिपका लो दिमाग के अंदर बस इन्हीं तीनों वर्ड्स के ऊपर पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है अकाउंटेबल लेजिटिमेट और रिस्पॉन्सिव

एज इट इज इलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट लोगों को इंजॉय मतलब ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस रहता है गवर्नमेंट के ऊपर ठीक है चलो अब इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं ठीक है अच्छा अब ये चीज ध्यान से सुनना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है ठीक है कि भाई डेमोक्रेसीज के अंदर जो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बहुत ही भद्दा है है ना मतलब तुम देखो कि दुबई चाइना ये या ऐसी मतलब दुबई अब दुबई के अंदर डेमोक्रेसी तो नहीं है फिर भी वो कितना ज्यादा आगे पहुंच गया क्या इंडिया पहुंच पाया नहीं तो हम ऐसा तो बोल नहीं सकते कि डेमोक्रेसी सबसे अच्छा है

जो है वो ज्यादा बेटर है डेमोक्रेसी के डेमोक्रेसी मतलब खराब हो गया नहीं हम सिर्फ एक चीज के ऊपर बड़ी चीज है तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ किसी एक चीज के ऊपर हम डेमोक्रेसी कोड करते हैं, है? चलो, अब अब सिर्फ देखो स... सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक सिचुएशन में डेमोक्रेसी खराब है हमारा गट्टू अगर मान लो सिर्फ और सिर्फ पढ़ने में अच्छा नहीं है बाकी बहुत अच्छा है स्पोर्ट्स में अच्छा है गाने में अच्छा है डांस करने में अच्छा है और बातचीत करने में अच्छा है पोलाइट है ओबीडेंट है, सब कुछ है बस पढ़ने में अच्छा है, नहीं तो मतलब नहीं कि गट्टू गंदा इंसान हो गया सिर्फ एक चीज में अच्छा नहीं हो ठीक है तो वही एक चीज की बात करें कि इकोनॉमिक सिचुएशन डेमोक्रेसी के अंदर कभी भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही है ठीक है डेमोक्रेसी के अंदर ये चीज देखोगे तुम कि डेमोक्रेसी के अंदर जो अमीर है वो तो बहुत अमीर है जो मिडिल क्लास है वो बहुत मतलब वो कभी ग्रो नहीं कर पाते और जो पोर है वो बहुत ही पोर है ना मतलब वही कि अमीर अमीर होता है और गरीब और गरीब होते हैं ठीक है चलो डेवलपमेंट जो है वो डेमोक्रेसी के अंदर गारंटीड नहीं है पर डिक्टेटरशिप से कंपीट जरूर कर सकता है एक टाइम पे ठीक है चलो जैसे इन इक्वालिटी और पॉवर्टी की बात करते तो डेमोक्रेसी जो है वो के पर इकोनॉमी है इकोनॉमी है? जो जो के उसके अंदर ही देख लो है ना ठीक है चलो तो रेट ऑफ इकोनॉमिक इन इक्वालिटी बढ़ती ही जा रही है ठीक है तो जो कुछ अल्ट्रा रिच लोग हैं वो बहुत ज्यादा वेल्थ एंजॉय करते हैं मतलब कुछ ऐसा कहा जाता है कि जो इंडिया के टॉप टेन परसेंट लोग हैं वो सेवेंटी सेवन परसेंट वेल्थ को होल्ड करते हैं मतलब कि बच्चे हुए नाइन परसेंट लोगों के पास में मात्र ट्वेंटी तो गलत बात है ठीक है चलो ये ये देखो लिखा हुआ है टॉप टेन परसेंट सेवेंटीवाली का पूरा का पूरा दे रखा तुमको एग्जाम वैसे देखा एक्साम बस तुमको समझाने के लिए दे रखा है ठीक है पर एक्चुअल लाइफ में तुम देखोगे कि डेमोक्रेसी कोई बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई है ठीक है जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है ना वो इकोनॉमी के ऊपर इतना ज्यादा ध्यान नहीं देती है क्यों क्योंकि भाई अमीर लोगों से सपोर्ट तो लेना ही पड़ता है हमेशा ठीक है चलो

डेमोक्रेसी क्या क्या प्रोवाइड करता है राइट्स टू वीमन है ना और फ्रीडम फंडामेंटल राइट्स देता है लोगों को ठीक है चलो तो ये डेमोक्रेसी हमें प्रोवाइड करता है तो इससे हमको समझ आता है कि डेमोक्रेसी जो है वो पूरी तरीके से बेकार नहीं है तो इस चैप्टर के अंदर बस इतनी चीज है पर ये चैप्टर क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है तो मैं जो क्वेश्चन वो चीज ध्यान से सुनो हमें क्या करना है अब हमें पी क्यूज करने हैं प्रीवियस मिलेंगे, ये मिलेंगे के के मैं थोड़ी देर में जो जो भी है मेरे पास में अपलोड कर दूंगा और एक दो के बाकी वो तुम्हें शाम तक मिल जाएंगे तो ये सारी चीजें तो पूरा पूरा समाप्त कर लिया दो घंटे से थोड़ा सा हो बट हमने पूरा पूरा वो कंप्लीट कर लिया है सारे चैप्टर्स हमने उठा के फेंक दिए तो एक बार कमेंट्स के अंदर हो जाए कि भैया फोर्थ दिया फोर्थ दिया इस टाइप से कुछ हो जाए ठीक है चलो हो गया एक बार चैट के अंदर देख ले हम एक बार चैट के अंदर हम देख लें चलो बहुत ही बढ़िया तो इसी के साथ में हमने पूरा सिविक्स कंप्लीट कर लिया है मात्र ढाई घंटे के अंदर अगर तुम कभी रिविजिट करना चाहो तो रिविजिट कर सकते हो मैं इसके जो टाइम्स

बहुत ही बढ़िया तो इंस्टाग्राम के ऊपर भी भाई पांच हजार फॉलोअर्स हमको हिट कर देना है क्योंकि इसके ऊपर सारे अनाउंसमेंट वगैरह आते रहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो चेकआउट कर लेना तो दैट बिंग सेड हमने हमारा पूरी तरीके साम कर लिया है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे हम लोग मिलेंगे फिर से कल कितनी बजे तीन बजे तो कल का जो तीन बजे का सेशन है जिसकी लिंक तुम्हें यहां पर चैट के अंदर पिंड मिल रही होगी उस लिंक को क्लिक करो और अभी से जाकर